शर्ट लैक शर्ट फार डार्क डस्त डार्क लो। वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग मस्त हो बढ़िया हो तो चले आज के सेशन की शुरुआत करते एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आर यू रेडी तो चलिए लंबी सांस लो और धीरे 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 छोड़ दो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्टेड है बेटा गुड मॉर्निंग तो चलिए दोस्तों कहो मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ. Hooga, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने तो इस बार अस्सी बार ठीक है तो so, चलिए तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ पढ़ा घर पे सर पढ़ाने लायक एक ही पेज होता है या पढ़ने लायक एक ही पेज होता है यस ऐसा ना लायक हो ह हाँ। चलिए दोस्तों तो यहां पे हम चैप्टर थ्री पे थे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ठीक है उसमें अब ये तो डीम डिस्टिंग पर्सन वाला डेफिनेशन तो आपके लिए लल्लू हो गया होगा अरे है ना मतलब यो ही सर डीडीपी डी पी ट्वेंटी फाइव फोर ट्वेंटी फाइव फाइव आ, ये भी पैरा धीरे धीरे अब थोड़ा इजी होते जा रहा होगा क्या पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन ऑफ सेक्शन सेवन वन सिक्स भाई साहब जब जीएसटी हमारा एंड होगा तो आपके लिए जीएसटी ऐसा ठीक है जीएसटी आप बोलोगे पढ़ना पड़ता है क्या वो तो ऐसे ही समझ जाता है हाँ तो नाउ तो आ, हाँ ट्वेंटी फाइव फाइव ये ध्यान रखना आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना सभी एस्टेब्लिशमेंट का कंपल्सरी नहीं है अगर उस स्टेट में आपका क्या होगा प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसके बाद में नेक्स्ट हाँ वो अगर बंदा वो पर्सन होगा तो उसको डी माना जाएगा यहाँ पे नुकसान बस यही है और नुकसान नहीं मतलब वो आई का नुकसान है सेकेंड ब्रांच को आपको आई मिलने वाला नहीं है टेबल नीचे कर रहा हूँ फालतू कमेंट मत पास करना हाँ हाँ तो अब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट तो वो डी डी पी माना जाएगा और डिस, डिस्ट्रिक्ट पर्सन जो है यहाँ पे माना गया तो वो केस में सप्लाई भी कहा जाएगा नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और उसके बाद में हाँ, ये एक डेफिनेशन टैक्सेबल पर्सन अच्छा जीएसटी पर्सन पे आता है या टैक्सेबल पर्सन और वो टैक्सेबल कब बनता है अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा होगा टैक्सेबल तब बनता है जब वो टैक्स देता है दो ऐसा खींच के मारूंगा ना ठीक है कब बनता है जब वो रजिस्टर्ड अच्छा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अलाउड है क्या वॉलेंट्री अलाउड है हाँ उसने खुद ले लिया तो टैक्सेबल हो गया फिर उसको जीएसटी देना स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर वो लाइबल टू रजिस्ट्र अच्छा वो लाइबल कब होता है जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है ओके okay, या कुछ केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यानी कुछ ऐसे केसेस है कि जिसमें जीएसटी देना ही पड़ता है लाइक इनकम टैक्स में हॉर्स रेसेस वैसे जीएसटी में भी कुछ ऐसी केसेस है कि जीएसटी देना ही पड़ता है वहां कोई थ्रेश भी नहीं है आई होप यू अंडरस्टूड उसके बाद में रजिस्टर पर्सन ठीक है सप्लायर का प्रोविजन मैं बाद में लूंगा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऑनलाइन गेमिंग थोड़ा गोत्रू कर लेते फटाफट तो लिंक में आ जाओगे आप भी मेरे साथ गोत्रु करो मैं आपके लिए कर रहा हूं मैं मेरे लिए नहीं है। और रिविजन पर पूरा ध्यान दो बिकॉज दिस रिविजन फॉर यू नॉट फॉर ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने देखे uh, हाँ टैक्सेबल सप्लाई एंड क्या दूसरा क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई ये तो हमने पूरा चार्ट ही देखा था आपको अच्छा एक डेफिनेशन मेरे बुक में नहीं है पर क्वेश्चन में मैंने कवर कर लिया taxable territory -taxable territory है टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी क्या टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया क्योंकि ये लॉ कहाँ अप्लीकेबल है इंडिया में समझ में आ रहा है तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउटसाइड इंडिया ओके okay. तो अगर ये सवाल पूछा आपको टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सीबल टेटरी अगर किसी ने हिम्मत लगाई होगी और चैप्टर टू के क्वेश्चन देखने की कोशिश की होगी स्टार्टिंग हिम्मत लगाकर तो उसको पहला ही डिफरेंस दिखा होगा टैक्सीबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सीबल टेरिटरी किसी ने हिम्मत की है क्या नहीं ना ओके ठीक है यहाँ पे नाउ उसके बाद में नॉन टैक्सीबल सप्लाई हां एग्जाम सप्लाई देखो वैसे तो चार्ट में नील रेट सप्लाई का अपना अलग मीनिंग है व्हाट डू मीन माई नील रेट सप्लाई साथ साथ में चार्ट भी रखो गो थ्रू माइंड मैपिंग बहुत होनी चाहिए ये कोर्स में ये प्रोफेशनल कोर्स में फ्रीक्वेंट रिवीजन एंड माइंड माइंड मैपिंग विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल रैदर देन मगिंग द कॉन्सेप्ट रैदर देन योर रट्टा अरे है ना ओके डोंट अफ्रेड अबाउट लैंग्वेज वो मैनेज हो जाता है सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है ये कोर्स में तो है मैपिंग एंड कंटिन्यूस फ्रिक्वेंट रिविजन समझ में आए क्या तो यहाँ पे एग्जाम सप्लाई नील रेट क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है दोस्तों और जहाँ सिलेबस ज़्यादा होता है वहां आपको इतनी मैपिंग्स करनी पड़ती है इतने समरी, समरीज बनानी पड़ती है चार्ट्स बनाने पड़ते हैं कि सो so दैट आप टच में रहो नहीं तो 90 परसेंट स्टूडेंट्स का मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ 70 परसेंट सेलेबस से ही ख़त्म होता है 30 परसेंट रह जाता है हो नहीं पाता क्योंकि वो एक चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं वैसा का वैसा लर्न करूँगा रट्टा मारूंगा वैसा का वैसा लिखूंगा तो ही मार्क्स आते हैं और फिर क्या होता है कि वो एम तक पहुंचे ही नहीं पाते और मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ ओके okay, जिनका छूट जाता है मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि भाई क्यों छूटा तेरा मुझे रीज़न बता क्या रीज़न है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना है ओके okay, यहाँ पे कि भाई सर स्टार्टिंग 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 में ओके okay, हम कंटिन्यूस वो चैप्टर लेते हैं ये समझ में आया और उसको डेप्थ में वर्ड्स पे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कुछ स्टूडेंट तो ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग वाले चैप्टर लिख के देख लेते हैं पर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते हैं फिर पहले बहुत टाइम दे दिया तो वो एंड तक पहुंच ही नहीं पाते और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जाता है यहाँ पर एग्जाम के वक्त जो आपने अच्छा पढ़ा सिक्सटी सेवेंटी उसमें डिफ़िकल्ट पूछ लिया और जो आपने छोड़ दिया उसमें ईजी था पर आप लिख नहीं पाए तो आप तो इधर से भी गियो उधर से भी गया इसलिए एक टारगेट आपने ये कोर्स में पहले दिन से रखना कि भाई साहब मेरा कोई चैप्टर मैक्रो लेवल पे क्यों ना हो ओवरऑल लेवल पे क्यों ना हो पर सिलेबस हंड्रेड परसेंट कुछ भी मत छोड़ना मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई एखा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ गया लेकिन कोई चैप्टर के क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आपने अगर पढ़े हो ना तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे लिख सकते हो पर पढ़े ही नहीं तो क्या लिखोगे समझ में आया तो मैपिंग कंटिन्यूस चलते रहना और मेरे चार्ट्स डेफिनेटली वॉल चार्ट्स आपको मैपिंग के लिए बहुत हेल्प करेंगे चार्ट बुकलेट तो ठीक है वो चैप्टर वाइज है वॉल चार्ट तो सिर्फ मैपिंग के लिए यूज होगा ठीक है चलिए एग्जाम सप्लाई में चार्ट भी साथ साथ में रखो ओके okay, और ये आपको ये सब बुक से बाहर निकल जाना है मतलब कि ये तो मैं क्लास के प्रैक्टिस के लिए बुक है मैं आपको ये जो मैं आपको डेफिनेशन वाइज सेक्शन वाइज चार्ट बना के दे रहा हो तो ये चार्ट से भी बाहर निकाल के वॉल चार्ट बुक में आ जाऊंगा यानी आपको एग्जाम के साइब दो ही मटेरियल रहेंगे वॉल चार्ट बुक अरे ऐसा न और क्वेश्चन है मैं बाकी सबसे निकालने वाला हूँ आपको ये तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के साथ एक डेप्थ लेवल लाने के लिए मैं सब कुछ ले रहा हूँ आई होप यू अंडरस्टूड चलिए तो यहाँ पे नील रेट टॉप टैक्स ये भी जीएसटी के लिए एग्जाम बोला जाता है वर्ली एग्जाम ये भी जीएसटी के लिए बोला जाता है है बेसिकली डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है नील रेट मतलब रेट ही नील है और मतलब बाय बाय नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है अच्छा नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो एकदम ही अलग है मतलब जिसके लिए जिसके ऊपर लेवी नहीं है पर पर जब जब भी ये वर्ड आएगा एग्जाम सप्लाई जीएसटी में तो ये तीनों को इमेजिन किया जाएगा जैसे आगे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपका सप्लाई एग्जाम है तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है आई रिपीट अगर आपका सप्लाई एग्जम्ट है क्योंकि गैस कड़ी इफेक्ट नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। अब सप्लाई एग्जाम है मतलब क्या मतलब अगर आपका सप्लाई नील रेट है आपका सप्लाय वो डी है या आपका सप्लाय नॉन टैक्सेबल तो आपको आई नहीं मिलता है आई होप यू अंडरस्टूड ओके okay, तो आपको एग्जाम सप्लाई का मीनिंग ऐसे लेना है उसके बाद में जीरो रेट सप्लाई मतलब नील नहीं एग्जाम नहीं बी केयरफुल आपने ये जो लेमैन लोग कहते जीरो रेट मतलब एग्जाम नहीं आपने तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए आप सुबह से लेके शाम तक यहां मेरे साथ क्लास कर रहे हो समझ में आया ना ओके okay, तो आपने बहुत मैच्योर होना चाहिए जीरो रेट इज नॉट एग्जाम जीरो रेट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव आपके बोलने से फर्क बहुत पड़ जाता है भाई साहब सामने वाला का ओके okay, करोड़ों का टैक्स बच सकता है आपके एक स्टेटमेंट पे आपने जीरो रेट को एग्जाम बोला तो आई नहीं मिलते है। अरे है ना जीरो रेट को एग्जाम लेकिन जीरो रेट को जीरो रेट ही बोला एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो आई सी मिलते आई मिलते हैं गवर्नमेंट ने जीरो रेट में आई दिया है क्योंकि वो एक्सपोर्ट है अरे यस ना एग्जाम में आई नहीं दिया है बी केयरफुल तो दोनों में बहुत डिफरेंस है उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन सेवन की शुरुआत की इसको पूरे सेक्शन को हमने चार्ट में अरेंज किया सेक्शन सेवन का चार्ट आपके सामने लाओ जो हमने ड्रॉ किया था यस सभी के सामने आ गया सेक्शन सेवन का चार्ट देखो ऐप में सोनू गर्ग या बाकी शुभम वगैरह भाई साहब टाइम पास नहीं रिवीजन के वक्त रिवीजन ही चलो अब अगर आप देखते हो चलो मैपिंग करो मैपिंग करो मेरे साथ सेक्शन बिना देखे मैपिंग करो सेक्शन सेवन दो पैरामीटर में डिवाइड होता है सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई एक्सक्लूड सप्ला अच्छा जो सप्लाई एक्सक्लूड होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगी ठीक है सप्लाई इंक्लूड्स इंक्लूड्स में विथ कंसिडरेशन विदाउटरेशन विशन विदाउट विथ कंसिडरेशन मतलब अब ए, एक मिनट अब आपकी सोच कैसे बननी चाहिए और आपका रिविजन कैसे होना चाहिए विथ कंसिडरेशन कंसिडरेशन मतलब अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पैसा मनी में आ रहा है कुछ आ रहा है मतलब मेरा सप्लाई कैसा होना चाहिए समझ में आया कि नहीं मेरा सप्लाई ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं या मैं सर्विस दे रहा हूं तो मुझे पैसा मनी में आना चाहिए या अदरवाइज या एक्ट या फॉरबिर कुछ याद है एक्ट <laughs> या आगे। आगे। अब आपकी मैच्योरिटी ऐसे बढ़नी चाहिए बेटा सिर्फ वो डेफिनेशन पढ़ लिया एग्जाम में आएगा लिख देंगे ऐसा नहीं ओके okay, आपकी मैच्योरिटी भाई मैंने पढ़ा अब थोड़ा मर्ज करता हूं ना ओके सेक्शन सेवन के साथ कैसा पिक्चर सामने आ रहा है कि फॉर मतलब मनी अदरवाइज एक्ट या फॉरब इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा पर अगर मैंने कोई गुड सप्लाई किया और मुझे गवर्नमेंट से हंड्रेड परसेंट सब्सिडी आई मैंने हंड्रेड परसेंट क्या गवर्नमेंट से क्या हंड्रेड परसेंट सब्सिडी आई जैसे स्प्रिंकलर्स स्प्रिंकलर्स ठिबक सिंचन जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं स्प्रिंकलर को पहले हंड्रेड परसेंट सब्सिडी थी जो भी कंपनी जैसे जलगांव में महाराष्ट्र में जैन इरीगेशन अगर आप देखते हो तो वो स्प्रिंकलर मैन्युफैक्चर करते थे हंड्रेड परसेंट सब्सिडी थी तो अगर गवर्नमेंट से 100 परसेंट सब्सिडी लिए तो कंसिडरेशन ही नहीं है फिर जीएसटी आएगा ही नहीं पार्टली होगी तो पार्ट पे नहीं आएगा रिमेनिंग पार्ट पे आएगा आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए कि आपको कंसिडरेशन में सब्सिडी नहीं लिया जाएगा अगर आपको आपके सप्लाई के लिए डिपॉजिट्स मिलते हैं बहुत सी बार मैं अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहा हूँ और मैं अपनी फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के पहले डिपॉजिट्स ले रहा हूँ कि भाई मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए मेरा रेंटल एग्रीमेंट है सर्विस है अगर मेरा रेंटल एग्रीमेंट है सर्विस है रेंट का पैसा सर्विस का पैसा है पर आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे वो सर्विस का पैसा है या रिफंडेबल डिपॉजिट है रिफंडेबल आपसे पैसा मिला पर हर पैसे पे जीएसटी नहीं आता है अरे है ना हर जो मिला वो सपनी है वो नेचर भी देखो यार वो जो मुझे डिपॉजिट का पैसा मिला पर वो मेरे सर्विस का नहीं है से सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल डिपॉजिट आई होप यू अंडरस्टूड ओके मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए डिपॉजिट रखा मैंने फ्रेंचाइजी देने के लिए डिपॉजिट रखा तो so, ऐसे सिचुएशन में वो डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं आएगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो अभी बहुत से लोग ऐसा करते कभी कभी टैक्स मारिंग करते के -केस आपको बताना चाहोगा कि एक कंपनी थी कंपनी को छ करोड़ का एडवांस मिला था अब छे करोड़ का एडवांस मिला अब उसको जीएसटी उसके ऊपर देना नहीं था क्यों? क्योंकि एडवांस पे सर्विस के एडवांस पे जीएसटी आता है बड़ी या नहीं बड़ी है। सर्विस के एडवांस पे जीएसटी आता है गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं आता है नोटिफिकेशन नंबर सिक्सटी सिक्स बाई टू थाउजेंड याद है आपको तो अब एक कंपनी को यहां एडवांस मिला अमाउंट करोड़ में था तो अब ये केस में उनको जीएसटी देना नहीं था तो उनको किसी ने एडवाइस दे दी कि वे एडवांस के जगह डिपॉजिट लिख दे एडवांस के जगह डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख दे तो उन्होंने वैसा किया सिक्योरिटी डिपॉजिट ओके और, और बुक्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट का एंट्री मार दिया अब पैसा था विंडो इसको बोलते विंडो ड्रेसिंग इसको क्या कहते हैं विंडो ड्रेसिंग मतलब रियल ट्रांजेक्शन को वर्ड से बदल देना समझ में आया ना अब डिपॉजिट बुक्स में डाल दिया और डिपॉजिट बुक्स में डालने के बाद उसको क्या किया ये जीएसटी नहीं दिया उसके ऊपर एडवांस पे कंपनी देने वाली थी पर अभी नहीं जब कस्टमर से पूरा पैसा आएगा समझ में आया क्या तो अब ऐसे केस में जब नोटिस आई उनके अगेंस्ट में कि भाई इतना डिपॉजिट है ये क्यों दिया गया क्योंकि डिपार्टमेंट तुमने बोल दिया डिपार्टमेंट ने मान लिया ऐसा तो नहीं है डिपार्टमेंट दस सवाल पूछेगा यहां मैं जब कोई मेरा स्टाफ मोबाइल कॉन्फिस्केट करता है ठीक है मैं दस सवाल करूंगा तुमने बोल दिया कि सर घर का कॉल तो मैंने मान लिया ऐसा थोड़ी होता है अरे है ना इविडेंसेस बता भाई क्या इंपॉर्टेंट था तो यहाँ पे मेरे पास जब वो केस आया तो मैंने कहा अब तुमने डिपॉजिट लिया ना फिर मैंने कहा पहली बात तो तुमने गलत किया और गलत करने के बाद स्पेशली मैं आपको बता दूं वो बिल्डर था बिल्डर लोग क्या कर लेते पैसा ले लेते अरे है ना पर अब जीएसटी देना उनको नहीं देना था तो उन्होंने क्या बता दिया डिपॉजिट्स ओके okay. मैंने कहा आप डिपॉजिट बताया ना आपने ओके okay, तो डिपॉजिट बताया है तो अब उस पर स्टक रहना अब आपको फ्यूचर में एक काम करना इसको पहले रिफंड करना कि तुमने एडजस्ट किया में कि सप्लाई में तो ऑफिसर को डाउट आ जाएगा कि ये पैसा सप्लाई का ही था अरे ये सर नो ये पैसा सप्लाई का ही था तुमने जानबूझ के विंडो ड्रेसिंग किया है वो छोड़ेगा नहीं तो बेटर वे वो फिर वैसा ही क्या चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो लिव द कॉरपोरेट विल ये वर्ड पता है आपको लिव द कॉरपोरेट विल गो द सीन समझ में आया क्या तो फिर मैंने उसको कहा अब देख गलती हुई तो ठीक है गलती हुई नहीं जो किया ठीक है अरे हेरा अब जो किया उस पर स्टक रहे जान जाए पर वचन न जाए अब बेटा जो बोला उसमें रहना डिपॉजिट वापस करना और बाद में पैसा वापस सप्लाई के अगेंस्ट में लेना आई होप आपको ये केस से इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा बिकॉज ऑफ द वर्ड हाँ गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से डिपॉजिट ये सप्लाई का पैसा नहीं है आई होप यू अंडरस्टूड उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुड्स गुड्स में गुड्स में चार लाइन आपको याद रखना है पहला क्या एवरी काइंड ऑफ मोबल प्रॉपर्टी एवरी काइंड ऑफ मोबल प्रॉपर्टी ओके उसके बाद में मनी और सिक्योरिटीज नहीं आएंगे पर मनी और सिक्योरिटीज के एक्सक्लूसिव ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे पैसा दिया चेक दिया डिमांड ड्राफ्ट दिया अरे है ना या फिर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन बट इंक्लूड्स क्या एक्शनेबल और आपको सच में बताओ क्या ये सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगाएंगे आगे आएगा सिर्फ ये जो कैसीनो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग उनपे ही जीएसटी उनको लगाना है आगे एक शेड्यूल थ्री आएगा इवन दो एक्शनेबल क्लेम इज क्या गुड्स बट सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है ठीक है अभी से दिमाग में रखो तो आपको समझना आगे आसान जाएगा उसके बाद में ग्रोइंग क्रॉप एंड एक्सेट्रा सर्विस याने क्या सर्विस याने एनी थिंग अदर देन गुड्स मैं सभी जीएसटी काउंसिल मेंबर को यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्लियर है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट यहां पे अगर देखा जाए तो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लाना चाहती है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आप किसी भी नेचर का करो कोई भी नाम से करो आपको बिजनेस का पैसा मिला हमको चाहिए समझ में आया कि नहीं आया तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने सर्विस में वो इट इन्वॉल्व सर्विस टैक्स तीन घंटे ओके okay, तो okay, और जब मुझे याद है मैंने 2017 के पहले जब जीएसटी के वाइट पेपर देखे और तब ये डेफिनेशन देखी होने वाली मैं खुश हो गया एक लाइन में खत्म क्या एनी अदर yes. तो मैंने तो पहले ये पहले ही थॉट दिमाग में आया तीन घंटे बच गए वो वर्ड्स को समझाने के लिए केस स्टडी समझाने के लिए वो अप्रोच समझाने के लिए मेरी बात समझे क्या और ये रियली इतना खुश हुआ मैं व्हाइट पेपर को देख के कि यार ये हुई ना बात पढ़ाने के हिसाब से भी और जो सोचा जा रहा है पूरे इंडिया के हिसाब से भी समझ में आया क्या कि एनी अदर थैन वर्ड्स मनी और सिक्योरिटीज हाँ पर मनी और सिक्योरिटीज में वो क्या कहते देखो मनी और सिक्योरिटीज ये ट्रांजेक्शन गुड्स और सर्विस दोनों भी नहीं है समझ में आया क्या लेकिन उससे रिलेटेड अगर सेपरेट कंसिडरेशन होगा समझ में आ रहा है फॉर यूज ऑफ मनी अब यूज ऑफ मनी का मीनिंग क्या होता है हमारे डे टू डे लैंग्वेज में लोन यूज ऑफ मनी मतलब डे टू डे लैंग्वेज में लोन फ्रेंड्स को लोन दिया अनसिक्योर्ड लोन दिया बैंक को डिपॉजिट किया या बैंक ने हमको लोन दिया सिर्फ बैंक में इमेजिन करना कोई भी किसी को लोन दे एडवांसेस दे डिपॉजिट्स दे और अगर उसका सेपरेट कंसिडरेशन क्या चार्ज किया इंटरेस्ट तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं सॉरी वो सर्विस मानी जाएगी आई रिपीट वो सर्विस माना जाएगा पर फिलहाल बोलो एक बार फिलहाल इंटरेस्ट को एग्जम्शन है कुछ याद आ रहा है चार्ट बनाया हुआ है हमने फिलहाल इंटरेस्ट को एग्जाम्शन अच्छा कौन सा इंटरेस्ट को एग्जाम्शन है <laughs> कौन से इंटरेस्ट को एग्जाम्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स उसका एग्जाम्शन है हाँ दूसरा टाइप का एक इंटरेस्ट है वह है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई उस पर जीएसटी आता है वो वैल्यू में एड होता है आई होप यू अंडरस्टूड उसके बाद में बेटा यहां पे मनी का डेफिनेशन वगैरह ठीक है ये ये यहाँ पे हमने देखा ये एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा बाद में लेता हूँ थोड़ा मैच्योरिटी आने के बाद ये सर ये टेबल पे हमने क्या इंपॉर्टेंस देना मत देना लिविट डेफिनेशन ऑफ सेल बार्टर एक्सचेंज वगैरह सिर्फ दिमाग में रखो कि ये ट्रांजेक्शन पे क्या आता है जी आता है पर इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपने डी पी किया कल दिया ही नहीं था ना दिया ही नहीं था अच्छी बात है पर आगे रेडी रहना भाई ओके okay, क्योंकि जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे ठीक है तो अब यहाँ पे मीन हम ये कंसिडरेशन पे थे ना ठीक है तो कंसिडरेशन में चलो दिमाग में फिट करो कंसिडरेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए पहले वर्ड्स को पंच कर लेना फिर लैंग्वेज को डिज़ाइन करना अरे हाँ है ना पहले कौन से कौन से वर्ड्स को पंच होना चाहिए आपका इजी करो स्टडी स्टडी ऐसी होगी स्टडी ऐसे रखता नहीं होगी वर्ड्स को पहले पंच कर लो टैग लगा दो और फिर उसके लैंग्वेज को डिजाइन करो समझ में आया क्या फिर वो लैंग्वेज ओन वर्ड्स में डिजाइन करो तो पहले बताओ क्या मनी पंच कर लेते मनी अदरवाइज एक्ट फॉर ठीक है अच्छा टाइम पे आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ ये वर्ड याद नहीं आ रहे तो दिस डि फॉर सप्लाई फॉर सप्लाई मैं अगर इवेल्यूएटर हूं ना मुझे इससे ज्यादा ये चार वर्ड से कंसर्न है जिसने ये चार वर्ड्स लिखे भाई साहब मजा आ गया समझ में आ रहा है मुझे और दो वर्ड से कंसर्न है क्या सब्सिडी एंड डिपॉजिट्स? ये सर नो तो ये आपके टैग हो गए यहां इसके बेस पर डिजाइन कर लेना अब इसमें ये फंदे मत पड़ना इन रिस्पॉन्स टू इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ ठीक है अब देखो कभी कभी क्या होता है पहले कॉन्सेप्ट को मैक्रो अप्रोच में एब्जॉर्ब कर लेना और फिर धीरे धीरे माइक्रो एप्रोच में जाना अब हो सकता है कल कोई स्टूडेंट यही अटक गया होगा इंड्यूसमेंट समझा और यह समझानी तो पूरी डेफिनेशन समझी और फिर पूरी डेफिनेशन नहीं समझी तो यार हार्ड जा रहा है समझ में ना क्योंकि इतना सा अटका हुआ उसका जो पार्ट है वो धीरे धीरे टप बनाएगा मेरी बात समझिए नहीं समझे कभी कभी अकाउंट्स में देखना आपने ये फील करना एक छोटी सी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को टफ करती है छोटी सी है। ओके, एक छोटी और चैप्टर से टफ करती है अब को को कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हो पूरा समझ गया भाई साहब उसमें का एक पार्ट नहीं समझा बस खत्म समझ में आया क्या बस खत्म फिर तो तुम वहीं अटके हो पढ़ने का बेस्ट तरीका पहले मैक्रो लेवल पे समझ लो और फिर जहां अटके हो उतने ही पार्ट पे फोकस करो उस पर पूरा इंफ्लुएंस मत बनाओ पढ़ाई और आसान होगी मेरी बात समझे क्या ओके ये बात तो पढ़ते वक्त पूरा ध्यान रखना कि मैं कहाँ अटका चैप्टर हार्ड नहीं है कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है कोई पॉइंट जो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है बस उस पर फोकस करो अब इंड्यूसमेंट में आपको बताना चाहूंगा कि यहां इंड्यूसमेंट मतलब बहुत सी बार सप्लाई इंड्यूस होता है इंड्यूस होता है का मतलब ओके कुछ ऐसा किया जाता है कि उसके रिटर्न में कुछ मिले जैसे एक ड्राइवर अगर पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जा रहा है और एक रेस्टोरेंट वाला कह रहा है कि मैं तुझे फ्री फूड दूंगा तो फ्री फूड इंड्यूस किया जा रहा है पर उसके रियली really बताओ फ्री दिया जा रहा है या कुछ कंसिडरेशन रिटर्न में चाहता है समझ में आया क्या मैं सचिन तेंदुलकर को का टी शर्ट फ्री दे रहा हूं कार फ्री दे रहा हूं बस इतना चाहता हूं कि तू टी शर्ट मेरे वी स्मार्ट की पहन रहे तो वो क्या फ्री है क्या भाई साहब सचिन तेंदुलकर पहन रहा है अरे है ना ओके तो ये जहां तक देखा जाए तो यहां पर सब्सिडी एक्सक्लूड होगा पर बताओ सबकी सब्सिडी एक्सक्लूड होगी या गवर्नमेंट की गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी पे जीएसटी नहीं लगाएगी गवर्नमेंट तो के लिए पहले तो सब्सिडी दे रहे है यार उस पर जीएसटी लगा के देंगे तो फिर काय का हम सब्सिडी का ऑब्जेक्ट ही अचीव नहीं होगा सब्सिडी क्यों देते हैं हम टू प्रमोट दैट एक्टिविटी अरे है ना टू प्रमोट दैट एक्टिविटी अब उस पर भी जीएसटी अगर लगा दे तो ये किस बात की सब्सिडी हुई फिर आई होप यू अंडरस्टूड हाँ बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडी होगी तो वो वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा डिपॉजिट फॉर पे हाँ एक केस स्टडी बताना चाहो हूं देखो किसी को क्लिक होता है तो वर्डिंग्स का खेल कितना इंपॉर्टेंट होता है लॉ में यहां पे वेजिटेबल्स जब पैक होता है या ओके okay, तो कुछ पैक वेजिटेबल्स पे जीएसटी आता है पैक होने के बाद जब तक वो ओपन है तब तक नहीं आता है पर टैरिफ में लिखा है पैक वेजिटेबल विथ ब्रांडिंग जैसे पॉकेट कैलकुलेटर अरे आया ना वैसे लिखा है नॉर्मल वेजिटेबल पे जीएसटी नहीं है समझ में आया क्या पैक वेजिटेबल विथ क्या ब्रांडेड समझ लो उसके ऊपर जीएसटी आ रहा है पर कोई ऐसा वेजिटेबल था कि पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सब्सिडी थी समझ में आया कि नहीं आया पुणे म्युनसिपल कॉरपोरेशन की सब्सिडी थी तो वो बंदा मेरे पास आया सर मैंने सुना है गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है तो उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है मैंने कहा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो एक्सक्लूडेड है अगर लोकल ऑथॉरिटी होगी तो वैल्यू में ऐड किया जाएगा क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली क्या लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लोकल ऑथॉरिटी उसमें कवर्ड नहीं है अगर सर गवर्नमेंट बोल दिया तो फिर लोकल ऑथॉरिटी उसमें आ गई ना पर्सन की डेफिनेशन में गवर्नमेंट अलग इमेजिन करो पर्सन की डेफिनेशन गवर्नमेंट अलग लोकल ऑथॉरिटी अलग है आई होप यू अंडरस्टूड। तो सर इससे आप क्या सीखे मैं बस इससे आपको सिखाना पड़ता है कभी कभी इंटरप्रिटेशन एडवाइस देने के लिए हमको बहुत वर्डिंग स्पेसिफिक जाना पड़ता है जो बोला मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बेटा अगर कोई सोया होगा तो इधर देख लो हाँ टू में मैं सीए हुआ और 11 सितंबर 2004 में मेरी सी ओ पी आई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पढ़ाना तो मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था 2004 से और उसके पहले मैं हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते पढ़ा रहा था ओके आई डी टी तो यहाँ पे जब मैंने मेरी सी ओ पी आई तो मेरा एक सर्विस टैक्स का क्लाइंट आया सर्विस टैक्स नया नया लॉ डेवलप हो रहा था तब ओके okay, तो सर्विस टैक्स का एक क्लाइंट आया उसका अब मैं सी ए बन गया ओके सी ओ पी भी आ गई उसकी खुशी अलग ओके okay, नाम के सामने सी ए लग गया उसकी खुशी अलग तो अब चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते पहले से डिसाइडेड था कि भाई टीचिंग में क्लास चालू हो गए थे साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो अब क्या हुआ कि मैं <coughs> मैंने केस लिया तो कंस्ट्रक्शन का एक केस था सर्विस टैक्स में वो लिया लेने के बाद पर तब ऐसा था कि जस्ट स्टूडेंट जैसा दिखता था इतना मैच्योर कंसल्टेंट भी नहीं दिखता था और मैं रिप्रेजेंट करने जब पहले उसको नोटिस आई थी और नोटिस को रिप्रेजेंट करने में मुझे याद है यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर था उसके पास रिप्रेजेंट करने में यहाँ पे जीएसटी एस एक सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ जब गया तो जैसे मैं एंटर हुआ वो कमिश्नर ने मेरे को देखा मेरे को देखते कहा आप आर्टिकल <laughs> मैंने नहीं सर सी ए अच्छा क्योंकि देखते के बाद ऐसा लगा कि भैया तो यंग बॉय है बिल्कुल और तब बाल बाल भी अच्छे थे हाँ <laughs> जहाँ तक देखा जाए तो ये तो आप आर्टिकल मैंने नहीं सर मैं सी ए हूँ रिसेंटली पास हुआ हूँ अच्छा अब क्या होता है ये कमिश्नर लोग ना बहुत स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं इसलिए आर्टिकल्स वगैरह ये अवॉइड करते हैं भाई मेरे पास टाइम कम है दस मिनट है स्पेसिफिक बोल क्या रिप्रेजेंट करना है ये समझाया नहीं तो फिर मैं कहा मैंने कहा अब उसने पहले ही सवाल पूछा आपके पास रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी है मैंने अथॉरिटी लेटर बना के गया था कि हाँ सर क्लाइंट की अथॉरिटी है रिप्रेजेंट करने के उसने देखा बैठा है अब मैं भी बहुत डर रहा था भाई कमिश्नर सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या बोलूँगा ठीक है तो फिर मैं जैसे ही अपना पॉइंट्स रखने लगा तो जनरली मैंने कॉमन सेंस से उनको आंसर दिया कि भाई सर ये ऐसा है फिर वैसा है उन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत सिखाई मतलब वो इतना अच्छा उनका एडवाइस रहा कि मेरा लॉ पढ़ने का अप्रोच ही बदल गया उन्होंने मेरे को ये कहा कि विशाल सर आपको एज अ एडवाइस मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ठीक है मैंने आपको रिप्रेजेंट करने दिया और मैं भी देख रहा हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो पर आपको एक बात कहता हूँ जो भी है ना कॉमन सेंस से ज़्यादा सामने एक्ट रखना है ना और जब भी आप प्रेजेंट करो तो जो आप बोल रहे हो वो लिखा का है जो आप बोल रहे हो वो लिखा का है पहले ये बताना उसके बाद में डिस्कशन करना आई होप यू अंडरस्टूड अब भाई जेल से क्या गवर्नमेंट चल सकती है केजरीवाल की कोर्ट ने यही कहा भाई चल सकती है क्योंकि नहीं चल सकती है कहीं नहीं लिखा है अरे ये सर yes. नहीं चल सकती है कहीं नहीं लिखा है जब लिखा नहीं है तो चल सकती है आई होप यू अंडरस्टूड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉ के वर्डिंग्स क्या है वो लॉ क्या कहता है चलो आ जाओ हमारे डिस्कशन पे अब ये ये क्या कहता है डिपॉजिट्स आपके इंक्लूड नहीं हो गए कंसिडरेशन में आई होप यू अंडरस्टूड अनलेस अब ये वर्डिंग समझ लो अनलेस सप्लायर अपलाईज सच डिपोजिट एजरेशन फॉर क्या से मेरा एग्जाम्पल लेना था हम जब फ्रेंचाइजी देते हैं बीस मार्ट की तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं अब सिक्योरिटी डिपोजिट क्यों रखते हैं कि कल जाके हम फ्रेंचाइजी ने स्टूडेंट का पेमेंट हमको नहीं किया अरे समझ में तो हम किसमें से एडजस्ट करेंगे डिपॉजिट्स है तो जब मैं यहां पे फ्रेंचाइजी से डिपॉजिट ले लेता हूं तब मैं जीएसटी नहीं देता हूं अच्छा फ्रेंचाइजी अगर वो कैंसिल करना चाहता है आई रिपीट उसके कोई ड्यूज नहीं है repeat, ड्यूज? नहीं, तो हम रिफंड भी कर देंगे लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आपने आपके सप्लाई के ड्यूज के अगेंस्ट में एडजस्ट किया आई रिपीट क्या कहा आपने अगर आपके सप्लाई के ड्यूज में एडजस्ट किया तो जो मंथ में डिपॉजिट वर्ड सुनना जो मंथ में आपने डिपॉजिट किसके अगेंस्ट में एडजस्ट किया अगेंस्ट में में उस मंथ जीएसटी आ जाएगा क्योंकि अब वो डिपॉजिट नहीं बचा अब वो आपके सप्लाई का पार्ट हो गया आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे केस में सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा तो चलिए ओके okay, यहां पे हमने ये डिस्कशन कंसिडरेशन का खत्म किया इंड्यूसमेंट का वो फ्री मील वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है फ्री मील टू ड्राइवर हाईलाइट कर दो वो ड्राइवर वाला एग्जाम्पल बताया ना मैंने आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ओके okay, चलो अब नेक्स्ट स्टार करो हम कौन से पेज पे सबको बताया क्या कंसिडरेशन के डेफिनेशन पे है ठीक है डन रुक जाओ अभी अभी क्वेश्चन मत बेटा अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है हाँ फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी अनले स्पेसिफिकली कवर्ड इन शेड्यूल वन ऑफ सेक्शन सेवन मतलब एक चीज समझ लो अगर कंसीडरेशन चारों फॉर्म में नहीं है मनी अदरवाइज एक्ट या फॉर्म सो उसको फ्री सप्लाई माना जाए और आपको फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आएगा इवन दो इट इज बिजनेस एक्टिविटी इवन दो यहां क्लास में मैं मेरी प्रोफेशन बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं पर कुछ स्टूडेंट से मैंने फीस नहीं ली होगी और किसी टाइप का कंसिडरेशन क्या नहीं लिया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा समझ में आया क्या उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, जैसे एक्सेस टू फ्री टीवी चैनल टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो फ्री मिल रही है ओके okay, आप इंस्टा यूज करते हो फ्री यूट्यूब यूज करते हो फ्री आपको तो फ्री है ठीक है जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको चार्जेस है पर आपको तो फ्री है ओके okay, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन सप्लाई फॉर कंसिड्रेशन चलो ये लेता हूँ पर उसके पहले मैं कुछ प्रॉब्लम के स्टडी पे आता हूँ डन आ जाओ पी फिफ्टीन ओके हर प्रॉब्लम आपको नोटबुक में सॉल्व नहीं करना है जो मैं कहूँगा वही सॉल्व करना है ठीक है कुछ यहाँ के यहाँ आंसर यह लिख के खत्म करना है पहला मिस्टर ए सप्लाइड एडवर्टाइजिंग सर्विस टू वी स्मार्ट अकेडमी फॉर विच वी स्मार्ट अकेडमी पेड द फॉलोइंग वी स्मार्ट अकेडमी ने कैश में ट्वेंटी दिए चेक से थर्टी दिए डी से थर्टी और बिल ऑफ एक्सचेंज से ट्वेंटी क्या ये सारा मनी के डेफिनेशन में आता है यस yes. तो कंसिडेशन वो ली मनी वो कैश इससे क्या सीख रहे हो बस इससे एक लाइन सीख रहे हो कि मनी में रियल कैश होगी या फिर चेक होगा डीडी होगा बिल ऑफ बी मतलब लिख दो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो वो लिखो ये सारा डेफिनेशन में मैं लिख दो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी और नीचे लिख दो तो मोड ऑफ कंसिडरेशन किसमें इन मनी मोड ऑफ कंसिडरेशन किसमें इन मनी इन मनी चलो पी सिक्सटीन पे आ जाओ हाँ आर्किटेक्ट हैज प्रोवाइडेड आर्किटेक्चरल सर्विस टू कुमार प्रॉपर्टीज हु इज अ बिल्डर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस आर्किटेक्ट हैज रिटेन वन फ्लैट ये शायद एग्जाम्पल कल मैंने लिया था ऐसा रिटेन वन फ्लैट बिल्डिंग फॉर ऑफ क्या कुमार प्रॉपर्टीज वेदर ट्रांजेक्शन इज रिटेड सप्लाई फॉर सर्विस yes. हाँ yes. क्योंकि अदरवाइज मिला तो क्या जीएसटी आएगा चलो इसको प्रेजेंट कैसे करना मैं लिख के देता हूँ चलो आ जाओ आपके क्वेश्चंस के नोटबुक में पी पेज नंबर डाल दो लिखते वक्त पूरा ध्यान अभी के अभी मेरे साथ लर्न होना चाहिए जीएसटी मोस्टली आपका क्लास में हो जाना चाहिए अच्छा सेक्शन सेवन वन ए आप लिख पाओगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखो सेवन वन ए मैंने लिखा है क्या लिखा है क्या सेवन वन ए सप्लाई इंक्लूड्स एक बार रीड करो और बिना देखे लिखो एक बार रीड करो और बिना देखे लिखो कोशिश करो सेवन वन लास्ट क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा ओके okay, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है एक बार रीड करो सेवन वन पहले कोई लास्ट क्वेश्चन में दिया होगा रीड करके पहला पॉइंट वो लिखो थोड़ा बहुत चार्ट भी इमेजिन करो सेवन वन ए का Then, first point is over. हाँ, अच्छा अगर आपका सेवन वन ए हो गया होगा लिख लिया आपने वैन सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस ठीक है तो वो सप्लाई में इंक्लूड होगा अब देखो कंसिडरेशन में केस स्टडी अगर आप पढ़ते हो तो केस स्टडी में मेरे को कौन से वर्ड पे एम्फोसाइज करना है पूरा कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखना है क्या नहीं मुझे ये मनी और क्या अदरवाइज उतना ही पार्ट लिखना है समझ में आया क्या तो एक चीज रखना ख्याल रखना है कि कभी भी जब हम रिमार्क में लिखते हैं या फिर कोई केस स्टडी में लिखना होगा तो हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती वो स्पेसिफिक से रिलेटेड लिखना पड़ेगा तो लिखो एज पर सेक्शन टू थर्टी वन अगर सेक्शन याद आया तो एज पर सेक्शन टू थर्टी वन कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट मेड इन मनी पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लायर पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लायर बात खत्म अच्छा देखो मैंने कैसे वर्ड्स उड़ा दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाय इन रिस्पॉन्स टू सप्लाय फॉर इंड्यूसमेंट भाई वो वर्ड्स में गए नहीं एक ही वर्ड खत्म कर दिया क्या सप्लाय भाई पेमेंट मिला मनी में या अदरवाइज फॉर सप्लाय ओके तो चलो आंसर दो इन गिवन केस in given case architect has received one flat architect has received one flat against his architectural service against his architectural service para change hence we can say that

Then? चलो सप्लाई uh, पूछा कि जीएसटी पूछा उन्होंने हाँ इतने ही पूछा कि क्या वो सप्लाई माना जाएगा तो यस वो सप्लाई माना जाएगा पी सेवेंटीन कुमार प्रॉपर्टीज हैव लॉन्च कमर्शियल प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ कुमार प्रेस्टीज पॉइंट मतलब जो बिल्डिंग में आप भी क्लास कर रहे हो समझ में आया क्या इसका नाम है कुमार प्रेस्टीज पॉइंट ठीक है इन पुणे अंडर दिस प्रोजेक्ट इट इज कंस्ट्रक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ फ्लोअर इन अ बिल्डिंग मतलब इमेजिन करना हमारा सामने वाला कंस्ट्रक्शन चालू है ये सर नो ओके थर्ड एंड फोर्थ फ्लोअर इन अ बिल्डिंग बट प्रस्टीज पॉइंट सोसाइटी रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सच कंस्ट्रक्शन पर यह सोसाइटी ने क्या ले लिया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भाई कंस्ट्रक्शन हम नहीं करने देंगे ओके वॉट एवर इट मे भी सो कुमार प्रॉपर्टी सप्लाइड सर्विसेस पेंटिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी टू द सोसाइटी इन रिटर्न सोसाइटी हैज ऑब्जेक्शन फिर बिल्डर ने एक उसको ऑफर दिया देख सोसाइटी का पूरा हम पेंटिंग रिपेयरिंग अच्छी बना देंगे तो क्या कर मुझे कंस्ट्रक्ट करने दे स्टेट वेदर पेंटिंग रिपेयरिंग ऑफ एक्सिस्टिंग बिल्डिंग विदाउट चार्जेस इज लाइबल टू जीएसटी एस है अरे फ्री करके दिया ना भाई साहब फॉरवीरेंस है फॉरबीरेंस है तो ये आपके लिए डीपी क्यू रहेगा ओके लिखना कैसे लिखना कैसे ट्राई करो ट्राई करो लिखना कैसे यहाँ पे और ये ग्रुप में शेयर भी करो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो गए उनको जमेगा ही नहीं तो आप उनको हेल्प भी करो ठीक है पहला तो सेवन वन ए पहला पॉइंट वैसा ही आएगा अरे यस और नो दूसरा पॉइंट कंसिडरेशन में मनी अदरवाइज पे वो इम्फोसाइज होगा या एक्ट या फॉरबियरेंस यानी अभी जैसा लिखा ना हमने वैसे ही लिखना है बस इतना ही लिखना है कि कंसिडरेशन इंक्लूड्स मोनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर सप्लाई ये समझ में आया ना बस पहले पार्ट की जगह दूसरे पार्ट पर लिखना है ओके okay, और फिर लिखना है कि भाई डिस्कशन एंड कंक्लूजन इन गिवन केस कुमार प्रॉपर्टीज अगेंस्ट हिज सर्विस पेंटिंग एंड रिपेयरिंग

limited is manufacturing of fertilizer to be used in agriculture by many farmers it has declared the price of 100 per packet of 1 kg government has also announced to give subsidy 30% government key subsidy 30% on sale of fertilizer by its manufacturer company sold 1000 packets of fertilizers to many farmer for which consideration received khitnavida 70000

अब ये यस नो अमाउंट सब आ गई दिमाग में पर प्रेजेंट कैसे करना ठीक है चलो आ जाओ लिखो अगर समझ लो आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है कंसिडरेशन अच्छा आपका फोकस क्या होगा अब तो क्या है कि अभी तो आप हम स्पेसिफिक कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिख रहे हो लेकिन जब पूरा जीएसटी पढ़ लेते हो इनकम टैक्स पढ़ लेते हो फिर वो एक दिन में पढ़ने के बाद जब एग्जाम में जाते हो तो ये तो समझ गया नहीं आता है पर पढ़ा कहाँ था रीजन क्या दोगे तो इमीजिएट आपको दिमाग में आना चाहिए सब्सिडी कुछ याद आया क्या आपको सब्सिडी दो हमने पूरे जीएसटी में सब्सिडी दो जगह पढ़ोगे एक कंसिडरेशन की डेफिनेशन में अरे है ना और एक वैल्यू ऑफ सप्लाई में दोनों का मीनिंग सेम है तो अभी जो हम कौन से डेफिनेशन में कंसिडरेशन अब सेक्शन याद नहीं आ रहा है छोड़ो ना याद नहीं आ रहा है ओके लिखो अंडर जीएसटी लॉ क्या अंडर जीएसटी लॉ कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड्स अंडर जीएसटी लॉ कंसिडरेशन ड नॉट इंक्लूड क्या डायरेक्ट अटैक करू कंसिडेशन डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देन तो लिखो ए इन गिवन केस सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इन गिवन केस सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू from taxable, so GST is payable as follows. पर्टिकुलर amount in rupees, value of supply seventy thousand. हाँ अब ये प्रॉब्लम देखो इसमें उन्होंने ये फोकस नहीं किया intra इंटर जीएसटी रेट डायरेक्ट दे दिया तो आप भी पीछे मत पड़ो इंट्राई और इंटर डायरेक्ट जीएसटी निकाल लो समझ में आया क्या तो जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट निकालो पावर गिलगा एकदम चेक कर नहीं एसी साल में ओके okay, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट अच्छा बी का आंसर लिखो बी का आंसर क्या आएगा अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आंसर बदल जाएगा क्या लिखो यस आंसर बदल जाएगा यस If subsidies received from charitable trust, if subsidies received from charitable trust that is other than government, then it should not be excluded. Then it should not be excluded from, kya? from consideration. From consideration. Full stop. So, taxable value and GST payable is as follows. एक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल इज एज फॉलोअर्स पर्टिकुलर अमाउंट इन रूपीज वैल्यू ऑफ सप्लाई में यह जरूर बताना सेवेंटी प्लस थर्टी यानी हम सब्सिडी एड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई सेवेंटी प्लस थर्टी जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट चलो अब P19 पे आ जाओ ये सॉल्व नहीं करना यही आंसर लिखना है एबीसी लिमिटेड इज अ manufacturer ऑफ रेडीमेड made इट स्टार्टेड इट्स फैक्ट्री इन द the year 20xxxy. Company वाई कंपनी रिमूव इट्स फर्स्ट shirts as a donation to एज अ डोनेशन टू बालाजी ट्रस्ट मैंने ये भी केस स्टडी ले लिया होगा मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सब मैंने केस स्टडी बना दी और ये मैंने बनाई हुई नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी वेन ठीक है नहीं सो so इलीगेंट बोलने की जरूरत नहीं है ठीक <laughs> है ओके okay. तो यहाँ पे तो यहाँ जीएसटी क्या होगा एक्सप्लेन वेदर द गिवन ट्रांजेक्शन बी ट्रीटेड एज सप्लाई लाइबल टू जीएसटी Uh, क्या, क्या है क्या क्या रीजन है क्या रीजन है ये फ्री सप्लाई है ये फ्री है लिख दो वहां पे नो इट्स अ फ्री सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व नो इट्स अ फ्री सप्लाई एंड नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व डना डंडन तो इस तरह से बहुत इजी कॉन्सेप्ट ये था कौन सा हमारा कंसिडरेशन वो खत्म होता है और इस तरह से हमने पढ़ लिया कि आपका सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है समझ में आया क्या तो स्वाहा ओके आगे बढ़ते हैं तो यहां पे अब आ जाओ पीछे कुछ छोड़ा है हमने ऐसा थोड़ी आगे बढ़ना है ठीक है अब देखो भाई साहब ये ये क्लैरिफिकेशन दिखा थोड़ा पीछे आओगे तो ये क्लैरिफिकेशन दिखेगा क्या क्लैरिफिकेशन दिखेगा सप्लाई फॉर कंसिडरेशन दिखा क्या ये ऐसा स्टार स्टार करना इसका। ये अच्छा है इसको या अच्छा क्लैरिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में पूछा हुआ है और एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है ठीक है तो आरटीपी में पूछ लिया है और एग्जाम में आने में तड़प रहा है आ सकता है अच्छा ये क्लैरिफिकेशन मतलब क्या पता नहीं आपको याद आएगा नहीं आएगा आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो पर बता देता हूँ हमने एक हिरार की ऑफ लॉ पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन और नीचे एक बॉटम में कुछ था सर्कुलर्स सर्क्यूलर ए क्लैरिफिकेशन बाय बाय हु बाय सी बी आई जब भी मैं ऐसा कहूँ ना क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर कुछ समझ में आया क्या मतलब ये सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया सीबीआईसी सी ने क्लैरिफिकेशन दिया केस क्या थी ठीक है यहां पे ये क्लैरिफिकेशन रियली जीएसटी काउंसिल में भी डिस्कस हुआ और जीएसटी काउंसिल में क्लैरिफिकेशन क्या डिस्कस हुआ सभी ध्यान दें और बाद में बहुत सी बार जीएसटी काउंसिल सीबीआईसी को भी रिकमेंड करता है ये क्लैरिफाई करो ये क्लैरिफिकेशन इशू करो क्योंकि एम्बिग्यूटी हो रही है समझ में केस था कुछ ऐसा केस था सभी ध्यान दे समझ लो एक स्कूल थी वो स्कूल जो है यहां पे ये कोई ट्रस्ट की थी समझ में अब भाई ट्रस्ट भी पर्सन है अरे यह सुनो अब ये ट्रस्ट जो पर्सन है ये पुराना वाला एग्जांपल है बाजू में रख देते हैं अभी ये नया वाला एग्जांपल बनाते हैं ठीक है फ्रेश बिल्कुल ठीक है ये जो ट्रस्ट है तो ये ट्रस्ट का कोई ट्रस्ट मेरे पास आया और उसने कहा कि सर आ, कुछ आप डोनेशन दीजिए स्कूल के लिए आई 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 रिपीट क्या मांगा उसने डोनेशन <laughs> सर कुछ वॉल्ट्री डोनेशन आप दोगे तो उतना ही हम ये पर्पज़ के लिए स्कूल बना रहे हैं या हेंडी बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं या वाटो में भी ओके okay, तो वो क्या मांग रहे हैं मेरे को डोनेशन अब मेरे पास दो ऑप्शन है ओके okay, डोनेशन मैं अपने पर्सनल नाम पे दूं पहला ऑप्शन लेते हैं कि मैंने अपने पर्सनल नाम पे डोनेशन दिया मैंने ओके okay, कहा ठीक है स्कूल का एक रूम जो भी पैसा लगेगा मैं बात यानी उसके लिए पैसा मैं दूंगा तो यहाँ पे स्कूल की रूम्स बन रही है और वो स्कूल की रूम्स में यहाँ पे एक रूम जो है उसका पूरा फंड मैंने दिया तो मैंने उनको डोनेशन दिया मैंने उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया अरे यस और नो और उनको पैसा मिल गया उनको पैसा मिल गया अब उन्होंने क्या किया इसके वॉलेंट्री डोनेशन था आई रिपीट द वर्ड क्या वॉल्ट्री डोनेशन ये वॉलट्री डोनेशन था ओके okay. उसके बाद में यहाँ पे जैसे वो स्कूल बन गई तो ये जो है यहाँ पे वो रूम पर जो स्कूल की रूम मानी गई थी उस पर उन्होंने मेरा नाम जस्ट एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड एज अ एक्ट ऑफ फिलोन्थ्राफी फिलौन्थ्राफी मतलब ओके अपन तो, महाराष्ट्र भक्तों ने इनचा सौजनया ने समझ में आया ना भाई इनके सौजन्य से ये बनाई गई समझ में आया कि नहीं आया तो अब ऐसे केस में जस्ट एक्ट ऑफ फिलोन्थ्राफी मेरा नाम लिखा गया या फिर वो स्कूल के बाहर एक नेम प्लेट पर मेरा नाम लिखा गया ये समझ में आया क्या तो अब साइलेंट प्लीज तो उन्होंने जस नाम लिखा वो फिलोन्थ्रापी है कि देखो ये कितने अच्छे लोग हैं ये डोनेट करते हैं सो so दैट दूसरा भी उससे इंस्पायर हो ये समझ में आया कि नहीं आया तो अब ऐसे केस में अब क्या हुआ दो अलग अलग एक्टिविटियाँ ये ट्रस्ट का एक बड़ा इवेंट था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने बुलाया था और स्पेशली कॉमर्स फील्ड के एलेवन ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को बुलाया था और वो इवेंट के लिए कि उन्होंने एक हॉल बुक किया था जिसमें हजारों स्टूडेंट्स आने वाले थे फिर से वो इवेंट के लिए मेरे पास आए कि सर कुछ डोनेशन दो हम इवेंट कर रहे हैं इसमें कॉमर्स बैकग्राउंड के हजारों स्टूडेंट्स आने वाले हैं समझ में आया क्या अब मैंने कहा अब जो डोनेशन दे रहा हूँ तो मैंने कहा कि यहाँ डोनेशन देता हो और कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो कहा हाँ अरे आए ना तो फिर मैंने डोनेशन मेरे नाम से नहीं दिया मेरी एक फॉर्म थी अरे है ना मेरी एक फॉर्म थी क्या वी स्मार्ट तो वी स्मार्ट से इनको मैंने डोनेशन दिया कंडीशन के बेस पर कि भाई जो आए के स्टूडेंट्स ये इवेंट होगा तो इसमें मेरे वी स्मार्ट के बैनर्स लगने चाहिए अरे है ना ओके तो आपके इवेंट में वी स्मार्ट के स्टैंडी बैनर्स लगने चाहिए तो मैं आपको डोनेशन दे दू ये भी ट्रस्ट है ये ट्रस्ट का इवेंट है अरे आया ना और ये भी और दोनों जगह मेरा वॉलेंट्री डोनेशन है मुझे बताओ दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है ओके माइक प्लीज इधर को इधर कोई नहीं माइक 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 अरेंज पहले ही अरेंज करके रखना बेटा हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है कौन बताएगा इधर वही बताएगा दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है इधर कोई क्या बात है चलो इधर ही दे दो इधर ही दे दो पहले इधर दे दो सामने क्या डिफरेंस है दोनों एग्जाम अच्छा एक मिनट एक मिनट एग्जाम्पल डिस्कस करने के पहले मैं ये कह रहा हूं कि ये बंदे को दोनों सोर्स से पैसा मिला और जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर माना जाता है अब जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों सोर्स को तुमको पैसा मिला हम जीएसटी लगाएंगे और सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स स्कोप तो पहले से ही ज्यादा है आपको किसी का भी पैसा मिला वो सर्विस के डेफिनेशन में आ सकता है अरे और, और नो तो येस, उसके बेसिस पे बता सर जब आपने खुद ने डोनेशन किया हुँ? तब आ, आ, वो विदाउट प्रमोशन था लेकिन जब बीस मार्च ये ये ट्रस्ट को जीएसटी से कैसे बचाएगा पहला वॉलेंट्री डोनेशन था ट्वेंटी लैक्स दूसरा वॉलेंट्री डोनेशन था फाइव लैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट तू अब मेरे को रिप्रेजेंट करने आ रहा है ओके असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में आ रहा है मैंने नोटिस भेज दिया ट्रस्ट पे, और मैंने नोटिस भेजिए शो कॉज वाई नॉट टू चार्ज जीएसटी ऑन दिस ट्वेंटी लैक्स एज वेल एज फाइव लैक्स अब वो ट्रस्ट एज अ क्लाइंट तेरे पास आई है और उसने तेरे को पूछा है कि क्या मेरे 25 फाइव पे पूरे पे जीएसटी आएगा या आप मेरे को बचा सकते हो अगर आप मेरे को बचा सकते हो तो रिप्रेजेंट करो क्योंकि शो कॉज नोटिस आ चुकी है सर पहले के इसमें कंसिडरेशन नहीं है दूसरे के कंसिडरेशन में, में, में है मनी में पैसा मिला है ट्वेंटी लैक्स ट्रस्ट को है ट्रस्ट पे नो, नोटिस किसके ऊपर लगी है नोटिस किसके ऊपर भाई ये जीएसटी डिपार्टमेंट है और जीएसटी डिपार्टमेंट ने ट्रस्ट को कितना पैसा मिला ट्वेंटी प्लस फाइव अरे आया ना ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई तुमको पच्चीस लाख मिला हम पच्चीस लाख पे क्या लगाते हैं जीएसटी अरे ये नो तो आपको ये बताना है ये ट्रस्ट तेरा क्लाइंट है वी स्मार्ट नहीं अरे ये नो वी स्मार्ट ने तो पैसा दिया है आई होप यू अंडरस्टूड नोटिस किसके अगेंस्ट में लगी है ट्रस्ट के yes. तो ट्रस्ट तेरा क्लाइंट है तो ये केस में ट्रस्ट तेरे को यह कहना चाहती है कि एज अ कंसल्टेंट मुझे बताओ कि क्या मैं टोटल ट्वेंटी फाइव पे लाइबल हूं या फाइव पे लाइबल हूं या ट्वेंटी पे लाइबल हूं, हूं या मैं लाइबल ही नहीं ये रिप्रेजेंट आप रिप्रेजेंट करो हाँ मैं आई विल भी लाइक अ कमिश्नर डरना मत मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूंगा हाँ तो चलिए yes, <laughs> <laughs> <Yes. laughs> okay, तो आपके पास लेते, लेते है है हाँ. Yes, हाँ. सर जो 20 lakhs है ना, उस पे आपको कोई consideration in return नहीं मिला क्योंकि आपका प्रमोशन भी नहीं हुआ सिर्फ आपका नेम का प्लेट उन्होंने लगाया पर वो, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड मतलब आपको ऑनर दे रहे थे वो कि आपने डोनेशन दी मतलब पैसा मिला पैसा तो मिला हाँ। तो क्या मिसिंग है वहां पे? आपको कुछ कंसिडरेशन uh, नहीं मिला आपको तो मतलब भी, नाम लो वीवी सर्विस नहीं। नाम भी? लो वीवी हाँ। यहाँ पे तो यहां पे पैसा मिला पर जिसको पैसा मिला उसने कोई सप्लाई नहीं किया हाँ। और सेकंड केस में आपको योर नेम बेटा मुक्ता मुक्ता एज असिस्टेंट कमिश्नर आई पर्सनली वेल्यू कि भाई क्यों नहीं मिला नाउ द नेम ऑफ वीवी इज रिटर्न एंड दैट इज अ सर्विस बाय ट्रस्ट अगेंस्ट विच ट्वेंटी लैक्स इज बिजनेस एक्टिविटी नहीं है ना ओके सो यू वांट टू से दिस सप्लाय नेम ऑफ दैट पर्सन इज नॉट अ बिजनेस इट्स एक्ट ऑफ फिलोन्थ्राफी अरे यस उन्होंने आपके ऑनर के लिए पे वो जस्ट ऑनर किया ah. बट उसमें कोई प्रमोशन इंटेंशन नहीं था इन शॉर्ट आपका कहना है कि सर इसमें पैसा मिला पर सप्लाई मिसिंग है अरे सप्लाई मिसिंग है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आई होप यू अंडरस्टैंड पहले देखो हमने मैक्रो लेवल पे पढ़ लिया अब उसके वर्ड में घुस रहे हैं, समझ में आया क्या? तो अब आपका कहना है कि सर कंसिडरेशन इज देर मनी इज देर बट सप्लाई इज मिसिंग आई होप यू अंडरस्टैंड ये सबके समझ में आएगा इधर इधर अच्छा जो ऑनलाइन कनेक्टेड है प्लीज बताओ एक बार सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करो ऑनलाइन जो कनेक्टेड है फिर से बताओ कहीं तो भी ये ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है कि मैं आपको कोचिंग दूंगा मुझे पैसा चाहिए कंसिडरेशन चाहिए अरे है ना मैं आपको गुड्स दूंगा मुझे कंसिडरेशन चाहिए मतलब कहीं तो भी बिजनेस के लिए कॉज एंड इफेक्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि इफ आई एम सप्लाइंग समथिंग I want in return. I want in return yes. consideration. I I hope you understood. Yes. तो कहीं तो भी वो business बोला जाता है वो कहा जाता है कि supply हुआ in the course of business. और पहली बात तो voluntary donation था voluntary donation था मतलब ये पैसा मिलने के लिए trust को कुछ नहीं करना पड़ रहा है trust पे कोई जिम्मेदारी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि trust अगर वी का नाम use करेगी तो ही मिलेगा तो फिर कॉज एंड इफेक्ट आ गया यस और नो ऐसा नहीं था वॉल्ट्री डोनेशन था कोई बीबी ने कंपल्सरी नहीं किया था कि मेरा नाम यूज करो उन्हें तो जस्ट एक्ट ऑफ फिलो ये समझ में आया क्या पर बताओ सेकेंड वाले में क्या हुआ वाले में सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ सेकेंड सेकेंड वाले, सर। वाले ट्रांजेक्शन में क्लियर कॉज एंड इफेक्ट लगता है कॉज एंड इफेक्ट लगता है मतलब मतलब बिल्कुल इनक आपको एक वर्ड पता है क्विट प्रो क्या होता है Something Something in return. Something in return. Okay. Okay, return. अरुष ने भी सही जवाब दिया वेरी गुड बेटा ओके ऑनलाइन भी आप ट्राई कर रहे हो सो pro so, प्रो अब एक वर्ड आने वाला है मतलब समथिंग इन रिटर्न तो second केस में क्लियर क्लियर है क्या क्लियर है कि यहां पे भी डोनेशन है यहां पे भी डोनेशन है पर दोनों का context ही अलग है यहां पे डोनेशन का context क्या है भाई आप मेरा होर्डिंग यूज करोगे मेरा नाम यूज करोगे तो पैसा मिलेगा क्लियर कट सप्लाई फॉर कंसिडर अच्छा सप्लाई क्या हो रहा है नाम यूज करना जिसके अगेंस्ट मिल मिल रहा ट्रस को मिल रहा ट्रस्ट को है तो ऐसे केस में अब ओके डिस्कशन आपने एक्सप्लेन किया ओके तो मुझे बताओ क्या कंक्लूड करोगे तो मैंने कहा मुक्ता कंक्लूड कंक्लूडर केस सर जो फाइव लैक्स है उस उसपे जीएसटी लगेगा यस yes. और जो ट्वेंटी लैक्स है उसपे नहीं लगेगा वाई सर क्योंकि उसमें बिजनेस का कोई रोल ही नहीं था और मतलब इन फर्स्ट केस दैट इज वॉलंटरी डोनेशन सप्लाई इज मिसिंग अरे यस और नो सप्लाई इज मिसिंग एंड बट इन सेकंड केस सप्लाई एग्री सर इन सेकंड केस वी एग्री ऑन दैट देट जीएसटी पे यस आई एम टोटली सैटिस्फाइड ठीक है <laughs> तो भाई अब अब मैंने नोटिस दी हुई है नोटिस पे दो एक्शन होती है आइदर नोटिस विद्रॉ होती है या फिर वो कंक्लूड होती है कंक्लूड होती है तो वो होता है ऑर्डर कंक्लूड होता है तो वो होता है ऑर्डर कि भाई जैसे पॉकेट कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर पे वो माना ही नहीं कि ये पॉकेट है तो उसने ऑर्डर दिया तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई सॉरी केस सुप्रीम कोर्ट में गई समझ में आया क्या तो इन सिंपल वर्ड मैं वैसे आपको ये कहना चाहूँगा रियली अगर आप थोड़ा सा पांच-छह लेक्चर्स इधर उधर पर मैं आपको ये कहूंगा मैं 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 जितना बोल रहा हूं मेरे इसमें मैं खत्म कर दूंगा ठीक है कंपेयर मत करना रियली really, अगर आप मेरे साथ ये चीजों में एंजॉय करते हो ना तो आपको मैं इसे पढ़, पढ़ना और एग्जाम देना इतना ही नहीं सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली प्रेजेंट कैसे करना वो ही मेरा स्किल है क्योंकि मैंने कमिश्नर अपील्स ट्रिब्यूनल बहुत सारी केसेस रिप्रेजेंट किए ठीक है आजकल स्टूडेंट्स का अप्रोच ऐसा हो गया कि इतना 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 पड़ा और इतना एग्जाम में जाओ कोई गलत नहीं है पर मैं आपको दोनों टच रखूंगा बैलेंस होगा और मैंने जितना कमिट किया उसमें खत्म करूंगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो यहां जहां तक कहा मैंने तो देखो यहां सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन क्या आया सीबीआईसी ने बहुत अच्छा एक्चुअली ये तो हमने एक आ, यहां पे प्ले डिजाइन किया पर एक्चुअली ये केस वेस नहीं थी ये एक्चुअली एक डिस्कशन था कि भाई क्लैरिफिकेशन था एमग्यूटी हो रही थी कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया में है उनको जो वॉलंट्री डोनेशन मिलते हैं अरे है ना उस उसपे जीएसटी आता है या नहीं आता कंफ्यूजन हो रहा था उस पर क्लैरिफाई किया किसने सीबी तो हमने अगर याद होगा तो सीबीआई सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन मिल जब कोई एमिग्यूटी आती है आई रिपीट जब कोई एमिग्यूटी आती है और क्लियर सिचुएशन नहीं होती है तब सीबीआई बी क्या इश्यू करता है क्लैरिफिकेशन और सीबीआईसी ने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया देखो वो क्या कहते हैं देखो डोनेशन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड वर्ड समझा क्या ठीक है मतलब जिस कुछ रिटर्न में नहीं है सब जो डोनेशन है पर कुछ रिटर्न में वो नहीं देने वाला तो ऐसे केस में डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर एज ए कंसिडरेशन ओनली वेन देर इज एन ऑब्लिगेशन क्या ो को फॉर द रिसपियंट टू प्रोवाइड द सर्विस इन क्या रिटर्न मतलब उसके अगेंस्ट में अगर ट्रस्ट को सर्विस देना कंपल्सरी होता तो वो सप्लाय फॉर कंसिडरेशन होता अरे है ना वर्डिंग्स एक्ट में क्या है यू आर सप्लाय फॉर कंसिडरेशन या कंसिडरेशन मिला है तो सप्लाई करना पड़ेगा समझ में ये दोनों वर्ड को टच एक वर्ड कनेक्ट करता है और वो वर्ड कनेक्ट करता है आपका सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए या मिला तो क्या होना चाहिए सप्लाई होना चाहिए समझ में आया क्या तो ही जीएसटी आएगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो क्विड प्रो को होना चाहिए रिसिपियंट ऑफ डोनेशन इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ग्रुप्स स्कूल हॉस्पिटल

एक्ट ऑफ फिलो समझ में आया क्या और उसको ही अंडरलाइन करना ये केस स्टडी आ था ठीक है तो नो सप्लाई फॉर सर्विस वेन डोनर नेम डिस्प्लेड इन द नेम इन द मैनर दैट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड हाँ ये बहुत कंक्लूडिंग लाइन है ये तो होनी चाहिए आपके डोनर का नाम डिस्प्ले हुआ पर वो एक्सप्रेस क्या ग्रैटिट्यूड है रिकोगनाइजेशन विदाउट प्रोमोटिंग डोनर क्या बिजनेस हम हाँ, उसका बिजनेस प्रोमोट नहीं कर रहे ओके

with an intention to promote donor's business if name is displayed with an intention to promote donor's business then it's a supply then it's a supply so जब आप ऑफिस में जाओगे आर्टिकल शिप करोगे चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट आता है तो पहली बात तो ये रखना चैरिटेबल ट्रस्ट पर्सन की डेफिनेशन में आता है जीएसटी की लाइबिलिटी आ सकती है अरे ये सर नो इनकम टैक्स टे, इनकम टैक्स के साथ कनेक्ट मत करना ओके चैरिटेबल ट्रस्ट पे जीएसटी की लाइबिलिटी कब आती है स्पेशली डोनेशन एरिया चेक करना डोनेशन में ये जरूर चेकना चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा वॉलेंट्री डोनेशन है अरे समझ में आया क्या और उसके रिटर्न में क्या है अगर वो प्योरली वॉलेंट्री है और उसके रिटर्न में कुछ नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा और उसके रिटर्न में कुछ दिया गया है तो पहले केस में रिटर्न में कुछ नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा पर रिटर्न में कुछ दिया होगा तो जीएसटी आएगा चलो डन ये हमने देखा सेकंड सेकंड बेटा यहां पे ये डायग्राम पे मैं एक्सप्लेन करने के बाद लिखना मेरे एक्सप्लेन करने के बाद लिखना ओके okay, ये डायग्राम पे समझ लो एक आर्टिस्ट है रिपीट क्या आर्टिस्ट उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया और बहुत अच्छी पेंटिंग बना के उसका आर्ट वर्क स्कल्चर वर्क जो भी होगा स्टैचू वगैरह वो बना रहा है अब वो जो है महाराष्ट्र से गुजरात में एक एग्जीबिशन है ठीक है तो गुजरात में एग्जीबिशन है तो वो अपने स्टैचू अब अब देखो यहां पे वो मेरा एग्जाम्पल याद करना ट्रक आया लोड हुआ समझ में आया क्या लोड हुआ रिमोल हो रहा है ठीक है रिमोल हो रहा है तो ये ट्रक आया ट्रक में लोड हुआ अब रिमोल हो रहा है अब मुझे ये बताओ कि यहां पे वो एग्जीबिशन में जा रहा है पर अभी सेल नहीं हो रहा है वो एग्जीबिशन में जाएगा वहां लोग आएंगे उनको पेंटिंग दिखाया जाएगा अरे यस और नो, और उसके बाद में कोई लोगों को पसंद आया तो वो बाय करेंगे सवाल ये है कि मुझे ये बताओ सप्लाई कौन से इवेंट पे बोला जाएगा जब रिमूव हुआ या जब एक्चुअल सेल होगा हा क्योंकि हमारा फॉर कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जब रिमूव हुआ ठीक है महाराष्ट्र से जब रिमूव हुआ ओके तब तो कंसिडरेशन था या जस्ट रिमूवल था जस्ट रिमूवल था कोई सेल ही नहीं था कोई कंसीडरेशन ही नहीं है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल तो वो सप्लाई नहीं है अच्छा सप्लाई कब बोला जाएगा जब वो एग्जीबिशन में लोग आएंगे पसंद आएगा उनको अरे है ना और जब एक्चुअल सेल होगा तो नो no डाउट ये एक और एग्जाम्पल था कि बहुत सी बार आप जब रिमूव करते हो तो रिमोव पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि सप्लाई ही नहीं है जीएसटी तब आएगा जब सेल होगा अच्छा मुझे ये बताओ लेकिन भाई साहब ये ट्रक जो है हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ये ट्रक जो है ये तो गुड्स लेके जा रहा है इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट क्या क्यों क्योंकि क्यों, इसको अगर रास्ते में पकड़ लिया वेरी गुड ये इन बात जिसके दिमाग में इमीजिएट एग्जाम्पल आया होगा क्या चल कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं है सप्लाई नहीं है तो बताओ रिमोल पे टैक्स इनवाइस बनेगा या चालान बनेगी चालान बनेगी आई होप यू अंडरस्ट टैक्स इनवाइस तो तब बनेगा जब क्या बनेगा उसका क्या होगा ओके okay, तो जब क्या इनवाइस ओके okay. चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहां पे नेक्स्ट श्चु। अच्छा लाइट अगर हाफ आवर में नहीं आए तो सब मैं YouTube चालू कर दूंगा मैं अकेला क्लास से आ आपने यहाँ बैठना है बाहर बैठना है क्लास कंप्लीट कर लेना है क्या कहा कुछ समझा क्या YouTube पे सेशन चालू है यहाँ अगर लाइट हाफ आवर में नहीं आएगी तो आप बोलोगे छुट्टी 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 मिलने वाली नहीं है फिर यहाँ बैठे बैठे गर्मी लगेगी ओके ऑनलाइन वालों का तो प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू रखूंगा किसी को इस गर्मी में नहीं बैठना है यूट्यूब पे चालू है बाहर फर्स्ट क्लास ओपन टेरेस पे बैठ जाना और मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देखना ओके नहीं तो ये पूरे हॉल में फैल जाना पर सर अगर आपके ही प्रोजेक्टर बंद हो गए तो आपका ही क्या तो मैं हाँ हाफ आवर में अगर पावर नहीं आती है तो मैं प्रोजेक्टर पे बंद कर दूंगा सभी स्टूडेंट यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएंगे और पूरे फ्रेस्टिज में फैल के मेरा लेक्चर देख लेंगे समझा ठीक है? है तो अब यहाँ पर मैं छुट्टी देने वाला नहीं चलो चलो एक मिनट एक मिनट नौ तो यहां पे लिख लो चलो फटाफट लिख लो आर्टिस्ट प्रोजेक्टर बंद है एक काम करो यूट्यूब चालू कर दो ओके यूट्यूब पे है बेटा तो और साउंड मत करना ओके यूट्यूब चालू कर दो ना लाइक करना दे तो लाइक कर यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्टर वगैरह बंद हुए तो आपकी यूट्यूब चालू करके रख देना ठीक है तो साइलेंट प्लीज हाँ लिखो आर्टिस्ट लिखो यहाँ पे आर्टिस्ट उसके बाद में वो आर्टवर्क बना रहा है आर्टवर्क यहां बना रहा है अब मुझे बताओ आर्टवर्क बनाने के बाद वो क्या यहां पे सेल कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है फॉर <laughs> एग्जीबिशन अगर ट्रांसफर कर रहा है फॉर एग्जीबिशन तो लिखो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई अच्छा वो सप्लाई क्यों नहीं क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है नो कंसिडरेशन इसलिए सप्लाई नहीं है अच्छा वहां जब सेल होगा आई रिपीट वहां जब सेल होगा तो क्या वहां सप्लाई माना जाएगा हाँ वहां जब सेल होगा एग्जीबिशन में तो वो सप्लाई माना जाएगा अच्छा जब यहाँ सप्लाई ही नहीं है समझ में आ रहा है तो बिल तो बनेगा ही नहीं लेकिन वहां जब सेल होता है तो वो सेल पे लगता है आईजीएसटी, वो सेल पे क्या लगता है आईजीएसटी, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर और डिस्कशन है एक कॉन्सेप्ट में सी टी पी एंड एन आर टी पी तो उसको इसको और इलेबरेट करूंगा अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सी टी पी एंड एनआरटी पी ओके और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ओके okay, ये उसमें भी आता है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न ओके तो ये आगे और इलेबरेट करूंगा अभी तो सिर्फ डोर बांध रहा हूं तो एक क्लैरिफिकेशन देखो क्या कहता है आर्ट वर्क सेंड द गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्रो फ्रॉम गैलरी टू क्या आर्टिस्ट देखो आर्टिस्ट गैलरी रिलेशनशिप आर्टिस्ट प्रोवाइड देयर वर्क टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन बट नो कंसिडरेशन अंडरलाइन क्या

Applicable and must be paid. Simple, okay चलो तो यहाँ पे ये concept हमारा खत्म हुआ अच्छा नीचे एक जो table है थोड़ा ये table के लिए रुक जाना ये press release है क्योंकि इसमें business का भी concept है अभी हमने एक definition देखी सिर्फ कौन सी consideration. अब मैं पहले business पढ़ाता हूँ और फिर ये table देता हूँ I hope you understood चलो आ जाइए अब next definition पे फटाफट यहाँ पे क्या business चलिए अब हमारे चार्ट का लास्ट वर्ड क्या है सप्लाई होने के लिए एक मिनट एक मिनट इमेजिन करो सेक्शन सेवन वन ए विथ कंसिडरेशन कुछ आया क्या ओके ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लीज रेंटल डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड मेड पे हो गया Agreed to be made पे हो गया एडवांस फॉर कंसीडर फॉर पे भी हो गया फॉर कंसिडरेशन क्वेट प्रो अरे फॉर कंसीडरेशन कंसिडरेशन मनी अदरवाइज एक्ट फॉर बिजनेस कुछ याद आया क्या और लास्ट वर्ड है इन द को सॉर फर एंड सॉफ बि तो अब देखेंगे क्या बिजनेस ओके okay, एक बहुत फालतू बात बताओ तो पर रियल बात है पर फालतू है कौन सा बिजनेस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द बिजीनेस समझ में आया क्या हम बहुत सी बार कहते माइंड योर बिजनेस मतलब तू अपनी इसमें रहे? अरे आया ना तू यहां दिमाग मत लड़ा द वर्ड बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम बिजीनेस लेकिन इन कमर्शियल टर्म्स ओके हमने क्या सीखा कमर्शियल टर्म में बिजनेस मीन्स एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी और एनी एक्टिविटी विद इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट अरे है ना तो वो बिजनेस कहा जाएगा पर वो वो आपने जो पढ़ा सब बाजू में अब हमको जो डेफिनेशन देखना है इन जीएसटी कॉन्टेक्स्ट जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप में है क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी एरिया में अपना जीएसटी का रेवेन्यू छोड़ना नहीं चाहती इसलिए उन्होंने बिजनेस में क्या इंक्लूड किया है तो अगर आप देखते हो तो ए से लेके आए तक आई रिपीट ए से लेके आए तक सारी एक्टिविटी डाल दी उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं कंफ्यूजन ही नहीं समझ में आया क्या पर यस yes, आपका एक सवाल होगा कि सर ये वर्ड टू वर्ड लर्न करना पड़ेगा क्या नहीं पर इसको ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि कभी अगर हमको रिमार्क में लिखना पड़े तो आपको लिखते आना चाहिए तो कुछ टैगिंग वर्ड्स दिमाग में रखना आई होप यू अंडरस्टूड ओके बिजनेस इंक्लूड्स ए वेरियस डायवर्स एक्टिविटीज लाइक इनकम पासिस वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एस क्या ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज कंडक्टेड फॉर प्रॉफिट एक वर्ड ऐड करना प्रॉफिट मोटिव और नॉट एक वर्ड ऐड करना प्रॉफिट मोटिव और नॉट समझ में आया तो अब देखो ये प्रॉफिट मोटिव पे हो या ना हो जी बाकी वर्ड्स तो बाद में देखूंगा बाद में पढ़ाऊंगा जीएसटी का अप्रोच समझ लो सभी जीएसटी काउंसिल मेंबर्स यहां बैठे और गर्मी हो रही है और आपको अपने स्टेट की चिंता है आप अपने स्टेट की पॉलिसी डिजाइन कर रहे हो आपके सामने एक सवाल है मुझे ये बताओ जैसे इनकम टैक्स में इनकम होती है तो इनकम टैक्स लगता है लॉस होता है तो टैक्स नहीं लगता और वो कैरी फॉरवर्ड होता है और नेक्स्ट ईयर की इनकम में भी एडजस्टमेंट मिल जाता है जिसको हम सेट ऑफ कहते हैं समझ में आ वो इनकम टैक्स आपने पढ़ा ठीक है बाजु अरे एक मिनट तिकर्चा विंडो ओपन करون게 तिक हां साइलेंट प्लीज पहले प्यार की पहली चिट्ठी <laughs> तो जो ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट है कबूतर आ गया है क्लास में ये टाइम पास कर रहे हैं ना लायक तो यहाँ पे इनको चांस ही चाहिए तो साइलेंट ये ना ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जब कौन सी मीटिंग में होते हैं <laughs> तो देश की पॉलिसी नहीं बन सकती तो चलो टर्न टू अवर डिस्कशन वेट 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 कंट्रोल चले जाएगा बेटा हार्मलेस गया ना हार्मलेस क्रिएचर है हाँ तो यहां पे अभी सवाल ये यह है यहां पे कि अगर हम पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल से लेके पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल से लेके लास्ट में वर्ड है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी आप सभी को पता है कि हमने जीएसटी में ट्रस्ट को भी नहीं छोड़ा सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी नहीं छोड़ा सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जीएसटी देगी अगर वो सप्लाई के इसमें आता है मतलब ऑल सब फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस फॉर कंसीडरेशन मेड और अग्री टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हम किसी को नहीं छोड़ रहे तो सवाल यह है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है ट्रस्ट है सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव नहीं है पर हां वो गुड्स बेच रहा है वो सर्विस बेच रहा है कुछ प्राइस पे बेच रहा है लॉस में बेच रहा होगा प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो क्या हमने उस बिजनेस एक्टिविटी पे जीएसटी लगाना चाहिए क्या उसे बिजनेस कहना चाहिए क्या कि जहां प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल भी नहीं है मैं सभी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा इधर लगाना चाहिए रीजन चाहिए अच्छा रीजन मैं बता देता हूं ओके या एज अ और फिर आप अपना उसके ऊपर ये दो देखो यहां पे इनकम टैक्स का अप्रोच है कि तिजोरी टैक्स आपके इनकम कमाई उस पे जीए। पर जी पर आईडी का अप्रोच कमोडिटी टैक्स है सर्विस टैक्स है ओके okay, अब कोई कमोडिटी लॉस में बेच रहा हो या कोई कमोडिटी प्रॉफिट में बेच रहा हो पर बेचा तो कमोडिटी ना बेचा तो सर्विस ना अरे है ना तो हम वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बेस पर अगर आईडीटी लॉ चलाएंगे तो आईडीटी का प्रिंसिपल ही हैम्पर कर देंगे मतलब उसका प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है उस पर अगर हम जीएसटी लॉ चलाएंगे तो हैम्पर तो ही हो जाएगा मेन ऑब्जेक्ट क्योंकि जीएसटी लॉ बिजनेस टैक्स है जीएसटी लॉ यहां पे कमोडिटी और गुड्स पे लगता है इसलिए मैं सभी यहां के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को कहूंगा कि जब आप अपने स्टेट में एस जीएसटी लॉ बनाएंगे तो बिजनेस की डेफिनेशन हम कॉमनली डिसाइड करते हैं इसमें प्रॉफिट मोटिव वगैरह बिल्कुल नहीं रखते क्यों क्योंकि ये कमोडिटी टैक्स है प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो जीएसटी लगेगा ठीक है ना जीएसटी उतने पे लगेगा जितना तुमने चार्ज किया पर जीएसटी लगेगा आई होप यू अंडरस्टूड एंड बर्डन पर इसलिए पहली लाइन में सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि बिजनेस की जो पहला क्लॉज फिक्स हो रहा है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस उसमें हम ये वर्ड पे बहुत एम्फोसाइज करें कि उसमें प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो वो बिजनेस होना चाहिए ओके okay, दूसरी बात मैं आपको सबको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये बिजनेस की डेफिनेशन सिर्फ सेवन बने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत सारे सेक्शन में बिजनेस का एक अपना ही इंपोर्टेंस है जैसे ओके okay, बिजनेस की डेफिनेशन जब हम देख रहे हैं क्योंकि पूरा लॉ बिजनेस लॉ है तो हम सप्लाई कहने के लिए बिजनेस वर्ड यूज करेंगे कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आईटीसी के लिए भी बिजनेस वर्ड यूज करेंगे अगर किसी को क्रेडिट चाहिए उसने परचेस किया आई रिपीट क्या उसने परचेस किया और किसी को उसके गुड्स का क्या चाहिए उसको आईटीसी चाहिए आईटीसी चाहिए तो ये गुड्स बिजनेस में यूज होना चाहिए मतलब अगर आप कोई एसी घर के लिए खरीद रहे हो तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा आई होप यू अंडरस्टूड वो गुड्स बिजनेस बिजनेस में यूज होना है वहां पे भी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस की डेफिनेशन है सेक्शन टू की डेफिनेशन है और ये सेक्शन टू की डेफिनेशन है मतलब पूरे एक्ट को अपलीकेबल होगी जहां जहां भी वर्ड बिजनेस आएगा वहां वहां ये डेफिनेशन अप्लीकेबल होगी समझ में आया तो आईटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो भाई बिजनेस में यूज होनी चाहिए मतलब ए से लेके आई तक के एक्टिविटी में यूज होना चाहिए समझ में आए क्या ए से लेके आई तक के एक्टिविटी में यूज होना चाहिए तो बिजनेस माना जाएगा तो सप्लाई के लिए बिजनेस है आईटीसी के लिए बिजनेस है बहुत सी जगह एग्जिश के लिए बिजनेस है रिवर चार्ज के लिए बिजनेस है रिवर चार्ज में एक वर्ड आएगा कि रिवर चार्ज तब लगेगा जब लेने वाला बिजनेस एंटिटी हो आ रहा है अब बिजनेस एंटिटी मतलब कौन ऐसा कोई भी एंटिटी फिर प्रोपराइटर हो पार्टनरशिप फर्म हो सोसाइटी हो हो जो बिजनेस कर रहा है ओके, मैं आपको बता रजिस्ट्रेशन चैप्टर बिजनेस एवॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, का बहुत है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको सभी एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन नहीं लेने पड़ते याद ना दिल्ली सभी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़े जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है समझ में आया क्या जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप सप्लाई करो या आप बिजनेस एक्टिविटी या के में आता है, समझ में क्या? वहां आप प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन आएगी पढ़ाऊंगा आपको वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जिसमें वेयर हाउस भी आता है डेपो भी आता है स ऑफ बिजनेस में इसलिए यह बिजनेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जीएसटी लॉ में सभी चैप्टर के लिए पर आपको यह रट्टा नहीं मारना है कभी आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा डिफाइंड बिजनेस पर आपको अलग अलग प्रॉस्पेक्ट में इसको यूज करना पड़ेगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो बिजनेस यानी क्या सभी ध्यान दे बेटा क्वेश्चन थोड़ा रुक जाओ मैं वॉल्यूम बहुत लो है क्या हेलो अब सही आ रहा है अब सही आ रहा है हाँ तो जहां तक देखा जाए यहां पे प्लीज प्लीज तो यहां पे उन्होंने क्या कहा देखो अब देखो बिजनेस डिफाइन करते वक्त उन्होंने थोड़ा वाइडर अप्रोच रखा उन्होंने सेल वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने वर्ड यूज किया क्या ट्रेड ट्रेड इज वाइडर स्कोप देन सेल मेरी बात समझ में आई क्या ओके okay. क्यों क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जस्ट किसी ने सेल कर दिया मतलब बिजनेस नहीं वो ये चाहते हैं कि रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए अरे है ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी पे करने के लिए अगर तुमने अपना कोई पर्सनल मोबाइल शॉप में जाके बेच दिया सेल तो तुमने भी किया सेल तो क्या तुमने भी किया पर वो बिजनेस नहीं है तुम्हारा पर्सनल मोबाइल था बेच दिया इट्स नॉट अ बिजनेस घर की रद्दी मम्मी ने बेच दी वैसा थोड़ी होगा कि बिजनेस तो बिजनेस होने के लिए ट्रेड कॉमर्स हा मैन्युफैक्चर अगर कोई प्लेस पे जिस मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है तो वो भी बिजनेस है अरे समझ में आया क्या और वो प्लेस का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है अरे समझ में आया अब एक ऐसे पूना में केस था पूना में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के यहाँ से जा रहा था गुजरात कंपनी का एक ब्रांच पुना में यही चाकन में था ध्यान सुनना यही चाकन में उनकी एक फैक्ट्री का यूनिट था यहाँ पे वो बेचते नहीं थे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अरे है ना और यहाँ से अपनी ही दूसरे फैक्ट्री में बेच ट्रांसफर करते थे गुजरात में अरे ये सर नो अपनी दूसरे फैक्ट्री में स्टॉक ट्रांसफर करते थे वहाँ पर गुड बनता था तो वो टू की बात है अब तो बहुत क्लैरिटी आ गई सबको टू थाउजेंड में वो मेरे पास आए कि सर ओके okay, क्या मुझे यहां के फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि यहां तो मैं सेल ही नहीं कर रहा अरे हाँ यहां, यहां तो मैं सेल ही नहीं कर रहा तो क्या ये फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मैंने कहा हाँ क्यों क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मैन्युफैक्चर बिजनेस के डेफिनेशन में आता है अरे ये सर नो तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस है और प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इवन दू सेल कर या ना कर वो प्लेस ऑफ बिजनेस है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और दूसरा फिर मैंने कहा दूसरे रीजन से भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो यहाँ के फैक्ट्री से गुजरात भेज रहा है डीडीपी आ गया अरे ऐसा है ना क्या गया? आ गया डीडीपी आ गया डीडीपी डीम डिस्टिंग पर्सन आ गया वो तो सेवन वन सी का सप्लाई है तुझे तो जीएसटी भी लगाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ओके तो मेरे को याद है उससे सर मैं आया था रजिस्ट्रेशन के लिए आपने तो कहा जीएसटी भी देना पड़ेगा यही तो फायदा है जब तुम स्मार्ट लोगों के पास आते हो हाँ तो देखा जाए तो यहां पे सिमिलर एक्टिविटी तो इसमें ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर अगर किसी का प्रोफेशन है जैसा मेरा प्रोफेशन है ठीक है प्रोफेशनल एक्टिविटी भी कवर कर ली वोकेशनल एक्टिविटी कभी कभी करते हो समर में कोई वोकेशनल एक्टिविटी चालू है तो वो क्यों ना कुछ पीरियड के लिए होगी वो भी कवर कर लिया वोकेशनल एडवेंचरस एक्टिविटी गोवा जा रहे हो बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी तो ओके वेजर एंड एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी अच्छा लास्ट में तो ओपन कर दिया क्या ओके okay, जब ऐसे लॉ में ऐसा होता है ना एनी अदर सिमिलर मतलब वो इतना बड़ा स्कोप रखते हैं अपने लिए एनी अदर सिमिलर मतलब भाई कुछ बोलना भूल गए हो गए तो इधर आ जाएगा एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी तो ये बिजनेस बोला जाएगा रिगार्डलेस वेदर इट इज कंडक्टेड फॉर प्रॉफिट मोट यू आर चलो पहला ए हो गया नौ आते बी पे ओके जस्ट जस्ट हो गया हो गया बी हो गया पे। तो देखो तो बी देखो वेट प्लीज प्लीज थोड़ा एक मिनट प्लीज प्लीज ध्यान दो एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ इंसिडेंटल और क्या एंसिलरी टू सब क्लॉज ए यह हाईलाइट करो इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए हां एक होती है बेटा आपकी मेन एक्टिविटी मेन एक्टिविटी जिसका आप बिजनेस कर रहे हो बताओ बीस मार्ट का मेन एक्टिविटी क्या है ट्रेनिंग कोचिंग अरे ऐसा सुनो तो मेन एक्टिविटी जिसका आप बिजनेस करो कभी कभी बिजनेस के साथ साथ इंसिडेंटल एक्टिविटीज भी होती है जैसा बैंकिंग बैंकिंग सर्विस है साथ साथ में लॉकर भी देते हैं है ना ओके इंसिडेंटल और एंसिलरी ओके इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी अब ये इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी क्या है थोड़ा समझ लो अब मतलब वो वो रेगुलर नहीं है वो कंटिन्यूस नहीं है वो हमारी मेन नहीं है पर बिजनेस से कनेक्टेड है समझ में आया क्या जैसे वी स्मार्ट का इंसिडेंटल एक्टिविटी टेस्ट सीरीज वी स्मार्ट का इंसिडेंटल एक्टिविटी बुक सेल समझ में आया क्या तो यहां पे ये इंसिडेंटल एक्टिविटी है अब यहां पे या हो सकता है वी स्मार्ट का इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी स्टडी सेंटर जो मेन नहीं है पर कनेक्टेड है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये मत समझना कि बिजनेस मतलब तुम्हारी मेन एक्टिविटी अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर एक्टिविटीज होगी कनेक्टेड एक्टिविटी होगी इंसिडेंटल एक्टिविटी होगी वो भी बिजनेस माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड अब फॉर एग्जाम्पल वी स्मार्ट अकेडमी और वी स्मार्ट अकेडमी का यहां पे जो है ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अब थोड़ा समझना आपके फाइनेंशियल के बेस पर जो वो ट्रेडिंग सॉरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस समझ लेते क्या पहले ट्रेडिंग और उसके बाद में पेनल ठीक है ट्रेडिंग में मैं जो मेन सेल बता रहा हूं ये तो मेरा मेन बिजनेस है अरे ये सर ना फिर वो मे मे बी सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स का ठीक है कभी कभी आप देखो कुछ एक्टिविटी आपकी मेन नहीं होती है ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाता है जीपी यस और नो अच्छा मैंने बेंचेस सेल किए पुराने बेंचेस थे ध्यान सुनना पुराने बेंचेस थे मैंने स्क्रैप में बेच दिए ये बताओ मैं ये मेरे ट्रेडिंग में जाएगा या जीपी के नीचे आएगा जीपी के नीचे अरे जीपी के नीचे आएगा अरे यस और नो तो यहाँ पे बेंचेस सोल्ड बेंचेस सोल्ड एज अ स्क्रैप एज ए ओल्ड बेंचेस तो अगर बेंचेस मैंने बेच दिया ओल्ड बेंचेस और मेरा प्रॉफिट आ गया ओके okay, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो मेरी मेन नहीं है पर इंसिडेंटल है इंसिडेंटल है और इसका पैसा आया तो क्या इस पर भी जीएसटी आएगा सबसे पहले तो जीएसटी गुड्स पे आता है या सर्विस और गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मोहेबल प्रॉपर्टी इस पर भी जीएसटी आएगा अरे आया ना पर मुझे बताओ ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है पर इंसिडेंटल टू बिजनेस है

बिजनेस है मेरा मेन नहीं है पर इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस है एंसिलरी टू मेन इसलिए अगर मैं कैमरा बेचता हूं तो जीएसटी लगाना पड़ेगा अरे मेरी बात समझे क्या मैं ओके okay, बिजनेस की कोई असेट बेचता हो तो जीएसटी लगाना पड़ेगा इवन दो इट इज नॉट अ मेन बिजनेस बट क्लॉज बी इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू क्लॉज ए आई होप यू अंडरस्टूड यस और नो ओके तो ये हमने देखा क्लॉज बी क्लॉज बी यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया है जैसे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और स्क्रैप बाय ट्रेडर ऑफ मोबाइल शॉप अब उसका मेन बिजनेस मोबाइल शॉप है पर ओल्ड फर्नीचर बेच रहा है क्या वो भी इंसिडेंटल है एंसिलरी है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बाय क्या मैन्युफैक्चर ओके okay, तो मशीनरी ली मशीनरी पुरानी हो गई पुरानी मशीनरी सेल की ओके okay, तो वो भी इंसिडेंटल और एंसिलरी में आएगा उसके बाद में सी सी क्या कहता है देखो सी एक्टिविटी एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए वेदर और नॉट इन वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूटी रेगुलरिटी इन सच क्या ट्रांजेक्शन ये वाला क्लॉज ना सबको कवर कर लेता है अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ए के नेचर की होगी अब ए में क्या क्या कवर किया ए में क्या क्या कवर किया ट्रेड कॉमर्स प्रोफेशन वोकेशन अच्छा ये क्या कहते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ए के नेचर का होगा अब आप रेगुलर नहीं करते होगे क्या आप रेगुलर नहीं करते होते फ्रीक्वेंसी में नहीं कर रहे वॉल्यूम में नहीं कर रहे कभी कभी मेरे दिल में वो तो एक्टिविटी करने का ख्याल आता है अरे ना तो वो जो आप गुड्स की एक्टिविटी या सर्विस की एक्टिविटी कभी कभी करते हो तभी तो बिजनेस बुला गया है तभी बिजनेस तो अब देखो यहां मैं आपको समझाने के लिए दो मिनट समझाता हूं यहां थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया नॉर्मल प्रैक्टिस में और लोग कंफ्यूज है क्योंकि आप क्लॉज ए में कहते हो ओके आई रिपीट ओके आप क्लॉज ए में कहते हो आप क्लॉज ए में क्या कहते हो कि ट्रेड होना चाहिए अरे यहां ना और यहां क्या कहते हो कि आपकी एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी में नहीं भी होगी वॉल्यूम में नहीं भी होगी तो भी इन द नेचर ऑफ ए है तो भी जीएसटी आएगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके आप रेंटिंग का बिजनेस नहीं होगा आपने एक बार भी रेंट किया होगा तो भी रेंटिंग सर्विस है सर्विस मतलब एनी थिंग अदर देन गुड्स और वो भी बिजनेस माना जाएगा इवन तो आप वॉल्यूम में नहीं कर रहे हो इवन तो आप फ्रीक्वेंसी में नहीं कर रहे हो एग्जाम्पल दूसरा ले लो मेरी मोबाइल शॉप है मेरा मेन बिजनेस मोबाइल सेल करना है कोई बंदा मेरा एक्सपीरियंस पिछले पचास साल का है कोई बंदा मेरे से एडवाइस लेने आ गया कि मोबाइल की शॉप कैसे डाले अरे है ना अब एडवाइस देना मेरा मेन बिजनेस नहीं है कभी कभी देता हूं कभी कभी देता हो तो क्या वो भी बिजनेस बोला जाएगा भाई साहब वो मोबाइल का कंसल्टेंसी हो या ज्योतिष का कंसल्टेंसी हो या वास्तुशास्त्र का कंसल्टेंसी हो अगर आप कभी कभी भी देते हो और उसका क्या पैसा लेते हो समझ में आए क्या तो वो जीएसटी आएगा तो यहां पे तो अभी इतना ही समझ लो कि भाई एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ क्लॉस ए वेदर और नॉट देर इज अ वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी कन्ग्यूलिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन वो भी बिजनेस माना जाए इन सिंपल वर्ड धीरे धीरे समझा कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा ये समझ में आया क्या तो अच्छा मुझे यह बताओ घर में मम्मी रद्दी बेच रही है वो कभी कभी होता है क्या वो बिजनेस में आएगा क्या? क्या नहीं क्योंकि उन्होंने कहा इन द नेचर ऑफ ए होना चाहिए इन द नेचर ऑफ ए होना चाहिए मतलब कहीं तो भी ट्रेड कॉमर्स वो नेचर टाइप होना चाहिए ठीक है कभी कभी करो पर कभी वो ट्रेड कॉमर्स के नेचर टाइप होना चाहिए तो ही बिजनेस बोला जाएगा चलो यहां रुकते हैं टेक ऑफ टेन मिनट्स कम बैक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइव मिनट्स ये तो आ जाएगा ऑर्डिनरी नहीं होगा तो भी सी क्लॉस कहता है वो बिजनेस बोला जाएगा ओल्ड मशीन का बिल जो भी बेटा अपना बिल जैसा बिल ही होता है प्राइस जो भी लगाओगे वो होगा जैसा अपना टैक्स इन्वाइस होता है वैसा ही बनेगा अगर पर्सनल असेट करते हैं तो नहीं, नहीं आता है वो इन द नेचर ऑफ ट्रेड नहीं है अगर बिजनेस की रद्दी बेचा गया तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है घर की रद्दी बेचा गया तो वो बिजनेस नहीं है चलिए यहां ब्रेक लो फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं

And we're back. Must बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा उस पे मेरी नजर है वो मुझसे बेखबर है उस पे मेरी नजर है वो मुझसे बेखबर है मुझे प्यार उस पे आने लगा कुछ रूप उसका महका कुछ मैं भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा चलो आ जाओ सब कनेक्ट हो जाओ हाँ 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 चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों यहां पे क्लास डी हमने सी देखा नेचर ऑफ एक्टिविटी और थोड़ा बहुत आपको पहले दिन जब भी कोई मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं तो मैक्रो एप्रोच रखना और धीरे धीरे जब रिवीजन होगी तब माइक्रो एप्रोच में जाना यस और नो तो अभी थोड़ा बहुत नहीं समझा थोड़ा बहुत नहीं कनेक्ट हुआ तो भी ठीक है ब्रॉड सेंस में समझते जाओ फिर धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे आई होप यू अंडरस्टूड चलो क्लॉज डी पे आते हैं क्लॉज डी गुड्स एंड सर्विसेस फॉर कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस सप्लाई और एक्वेजिशन ऑफ गुड्स अंडरलाइन यहां पे सप्लाय और एक्वेजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस ठीक है इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं यहाँ पे यस yes, बेटा इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो ठीक है यहाँ पे मतलब क्या है ना आप कोई लेट आता है फिर उसको देखते हो फिर जब वो जब तक वो या वो, वो बैठता या बैठती नहीं है तब तक आप देखते रहते हो फिर बैठने के बाद हाँ अब सर क्या बोल रहे एक इसके ऊपर मुझे मुशायरा याद आ रहा है हाँ भूलो पर फिर भूले करना भूलो पर फिर भूले करना भूल नहीं होशियारी है भूलो पे फिर भूले करना भूल नहीं होशियारी है रोज किसी पे दिल आ जाना रोज किसी पे दिल आ जाना इक्ष नहीं बीमारी है <laughs> तो दोस्तों, ठीक <laughs> है यहां पे लॉस डी में आ जाओ दैट यूर डिस्कशन okay. तो भाई साहब आज कोई इधर से आएगा उसको देखोगे कोई उधर से आएगा उसको देखोगे ये इष्ट नहीं बीमारी है ठीक है तो यहां पे जस्ट सब चलो क्लॉज डी में आ जाओ सप्लाई और एक्विजिशन हाँ, तो सप्लाई और एक्वेजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स सर्विस इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ क्या बिजनेस अब देखो क्या हुआ पहले पिक्ट्रोल प्रेजेंटेशन से सुन लो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अब किसी को समझा तो ठीक किसी का जाता है तो वो उसका घाटा हर वक्त नहीं कंट्रोल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ठीक है अब समझ लो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप इनपुट्स खरीद रहे हो आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो इनपुट सर्विसेज एक केस हुआ था एक्साइज का केस था लेकिन सच में अच्छा केस था जिसकी वजह से ये डेफिनेशन को ध्यान बनाते वक्त पूरा ध्यान रखा गया क्या हुआ था मुझे याद है और ये केस में पढ़ा था क्या हुआ था कि फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत पुराना केस था और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अब अभी तक तो बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं सेल परचेज स्टार्ट हुआ नहीं ओके okay, और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए गुड्स परचेस किया जा रहा है इनपुट परचेस किए जा रहे हैं कैपिटल गुड्स परचेस किए जा रहे हैं और इनपुट सर्विसेज तो क्या हुआ था कुछ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले लिया था क्या कि आप जो गुड्स खरीद रहे हो उसके आई हम नहीं देंगे क्योंकि जो मोमेंट पर आपने ख़रीदा तब बिजनेस था ही नहीं समझ में आया क्या तब तो बिजनेस था ही नहीं आई टी कब मिलेगा जब आपने बिजनेस के लिए खरीदा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस खरीदा और जब आपने खरीदा सेटअप करने के लिए तो बिजनेस नहीं था नहीं था तो हम आई नहीं देंगे सारी इंडस्ट्री इतनी नाराज हो गई कि भाई साहब वो सेटअप किए बिना बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा मतलब आप इतने वर्डिंग्स पे मत जाओ कि ऑब्जेक्टिव भूल जाओ समझ में आया क्या कि भाई तो वो केस हाईकोर्ट में गया हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि हाईकोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि अनलेस वी फैक्ट्री हाउ कैन वी स्टार्ट द बिजनेस हेंस बिफोर दिजनेसमेंट इफ यू परचेस एनी गुड्स कैपिटल गुड्स और सर्विस इफ यू एक्वायर एनी गुड्स कैपिटल गुड्स और सर्विस इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और वो डिसीजन यहां पे ध्यान रखा गया और यहां पे डेफिनेशन में डाल दिया कि अगर आपने कमेंसमेंट के पहले आई रिपीट द वर्ड क्या कमेंसमेंट के पहले कोई भी गुड्स खरीदते हो या सर्विस खरीदते हो तो उसको भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा उसको भी बिजनेस बोला जाएगा तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपने एक्वायर किया आपने क्या किया बेटा एक्वायर किया या आपने यहां पे सेकंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस लिखने को टाइम दूँगा दूसरा क्लोजर ऑफ द बिजनेस बिजनेस आपने सप्लाई किया कोई गुड्स कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस ओके मतलब क्या मतलब फैक्ट्री क्लोज हो गई दो साल हुए क्लोज हो गई दो साल से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है समझ में आए क्या पर उसमें हमारी मशीनरी पड़ी थी कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था दो साल से वैसे ही पड़ा हुआ था बिजनेस क्लोज हो गया ओके okay, कोई एक्टिविटी नहीं पर क्या हुआ दो साल बाद एक कस्टमर मिला हमारी मशीन खरीदने के लिए हमारे स्टॉक खरीदने के लिए और मैं दो साल बाद बेच रहा हूं वो मशीनरी स्टॉक तो क्या वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा यस इवन दो आपने बिजनेस एक्टिविटी टेम्परे क्लोज कर दी होगी या क्लोज कर दी होगी उसके बाद भी अगर आप कोई सप्लाई करते हो तो उसको भी बिजनेस बोला जाएगा तो वो देखो क्या कहते हैं अब मेरे साथ वर्डिंग पढ़ो सप्लाय सप्लाय जो वर्ड है वो क्लोजर के लिए है क्लोजर के बाद सप्लाई किया और एक्विजिशन जो वर्ड है वो कमेंसमेंट के लिए समझ में आया क्या तो पहले ये डायग्राम पे लिख लो जो लिखना है ओके okay, जैसे पहला जो लिखो एक्वायर एक्वायर इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस एक्वायर इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्वायर इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो क्या ये जो आप एक्वेजिशन कर रहे हो क्या इन द बिजनेस बोला जाएगा यस yes. या दूसरा क्लोजर ऑफ बिजनेस में यहाँ लिख दो क्लोजर ऑफ बिजनेस उसके बाद में सप्लाई किया उसके बाद में सप्लाई किया देन चलिए तो ये था यहां पे डी एक्टिविटी अच्छा ये ये क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्या था कि किसी के आईटीसी लॉस ना हो है ना बिफोर या आफ्टर मतलब बिफोर में आईटीसी लॉस ना हो या आफ्टर तुम बेचते हो तो उस पर भी जीएसटी आना चाहिए आफ्टर क्लोजर चलिए ये क्लॉज डी था ई अब देखो क्लॉज ए थोड़ा समझ लो फटाफट समझ लो क्लॉज ए बी सी डी ये जनरली बिजनेस नेचर की है सारियां और ये पहले से मतलब सिर्फ जीएसटी में नहीं सीएसटी लॉ जब पढ़े तो सीएसटी लॉ में भी बिजनेस की डेफिनेशन पहले चार क्लॉजेस वैसे ही थे अरे है ना आ, पुराने वैट लॉ में वैसे ही थे और वहाँ जीएसटी में वो वैसे के वैसे बोरो किए गए आई होप यू अंडस्टू ओके नाउ जो आगे की क्लॉजेस है ये जीएसटी के अपने स्पेशल क्लॉजेस है या पुराने कुछ सर्विस टैक्स को ध्यान में रखते हुए क्लॉजेस है और ये आगे की क्लॉजेस ध्यान से समझना कि वो डे टू डे लैंग्वेज में हम उसको बिजनेस नहीं कहते हैं लेकिन जीएसटी उसे बिजनेस कहता है और जीएसटी लॉ उसे बिजनेस कहता है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा फिर आप डे टू डे में बोलो या ना बोलो एग्जाम्पल के तौर पर प्रोविजन बाय क्लब एसोसिएशन सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स क्या मेंबर मतलब इंडिया के सारे क्लब एसोसिएशन सोसाइटी समझ लो आप अभी पुणे में या आपके नेटिव प्लेस पे कोई हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो हाउसिंग सोसाइटी है समझ में आज हम प्रेस्टीज पॉइंट में क्लास रह रहे हैं ये कमर्शियल सोसाइटी है समझ में आया क्या और अगर कोई सोसाइटी ने फैसिलिटीज देने के लिए अपने ही मेंबर को चार्जेस लगाया समझ में आया क्या यहां बेनिफिट्स देने के लिए अपने ही मेंबर को चार्जेस लगाए जैसे हमको मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कॉमन फैसिलिटी मिलती है लॉबी में लाइट्स मिलते हैं इंफ्रा मिलता है क्लीनिंग मिलता है वो ठीक है होता नहीं अच्छे से समझ में आया क्या पर मिलती है फैसिलिटीज उसके लिए मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं ओके okay, कुछ फैसिलिटीज जैसे आपके सोसाइटी में क्लब होगा स्विमिंग पूल होगा अरे यस और नो ओके वो फैसिलिटीज दिए जिसके लिए अपने ही मेंबर को चार्जेस लगाए तो कोई भी इंडिया की सोसाइटी कोई भी इंडिया का क्लब कोई भी इंडिया का एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अपने ही मेंबर्स को चार्जेस लगाएगा वो भी बिजनेस बोला जाएगा और उस चार्जेस पे जीएसटी आएगा आई होप यू अंडरस्टू आपके नॉलेज के लिए जस्ट बता देता हूँ आगे एग्जामिशन में आएगा हाउसिंग सोसाइटी को सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक एग्जामिशन है कभी मैंने रेफर किया था क्या ओके मंथली मेंटेनेंस चार्जेस थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक एग्जाम एग्जामिशन बाद में पढ़ेंगे अभी तो हम लीवी पढ़ रहे हैं अरे ये सर नो एग्जामिशन तो आएगा बहुत सारे एग्जामिशन आएंगे ठीक है तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए क्लब ओके okay, कोई डेक्कन जिमखाना क्लब होगा या कोई भी क्लब होगा और अपने ही मेंबर को चार्जेस लगा रहा है जीएसटी आएगा ओके okay, तो अब इसको मैं लास्ट कंक्लूड करता हूं कि इसको डे टू डे लैंग्वेज में तुम नहीं कर रहे हो तुम्हारी सोसाइटी बिजनेस कर रही है ये जनरली आप डे टू डे लाइफ में नहीं करते हो पर जीएसटी के लैंग्वेज में वो बिजनेस है कोई सोसाइटी अगर देखा जाए तो सोसाइटी कोई मार्केट में नहीं जा रही है सर्विस ले लो आलू ले लो कंधा ले लो अरे हाँ वो मार्केट में नहीं जा रही वो अपने मेंबर को दे रही है तो भी जीएसटी में वो बिजनेस बोला जाएगा दैट्स ऑल क्लियर सभी को यस yes, चलो ये क्लॉज इज ओवर उसके बाद में एडमिशन फॉर अ फी एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी क्या ओके एंट्री टिकट्स जैसे आपको यहां पे एम का पार्क है एम्यूजमेंट वहां एंट्री टिकट लगी वो एंट्री टिकट भी बिजनेस बोला जाएगा वो तो सर्विस है ही पर हमें यह प्रूव करना होता है सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सर्विस क्यों है क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन कहती है एनीथिंग अदर देन कोर्स तो सर्विस तो है पर सर्विस क्या वो बिजनेस बोला जाएगा तो यस yes, वो एंट्री टिकट भी बिजनेस बोला जाएगा कोई ओके okay, यहां पे अरिजीत सिंह का सिंगिंग प्रोग्राम है उसकी एंट्री टिकट्स है वो भी बिजनेस बोला जाएगा अरे यस यसर नो पर वो फ्रिक्वेंसी में ना हो वॉल्यूम में ना हो पर बिजनेस बोला जाएगा कोई मेला है एंट्री टिकट है बिजनेस बोला जाएगा आई होप यूर न स्टूड ओके तो एडमिशन लिख दो एडमिशन का मतलब टिकट चार्जेस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसिस बिजनेस बोला गया है उसके बाद में सर्विसेज बाय ऑफिस होल्डर सर्विसेज बाय ऑफिस होल्डर सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन टू अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ अदरस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन अब देखो ऑफिस होल्डर है समझ लो गवर्नमेंट ने एक जीएसटी के लिए कमेटी बनाई या हमारे इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी बनाई समझ में आया ओके और वो कमेटी का मैं चेयरपर्सन हूं और एज अ ऑफिस होल्डर क्योंकि मैं वो कमेटी का मैं चेयरपर्सन हूं वो कमेटी का मैं मेंबर हूं ओके वो कमेटी मैं एम्प्लॉय नहीं हूं मैं मेंबर हूं और अपना बिजनेस प्रोफेशन का नॉलेज उसमें यूज कर रहा हूं रिगार्डिंग टू क्या जीएसटी मैं एडवाइस दे रहा हूं गवर्नमेंट को हमारे इंस्टीट्यूट को ओके वाटर इट में कि भाई ये चीजें चेंजेस होनी चाहिए ये प्रपोजल उनके सामने रख रहा हूं तो ऐसे केस में मैं दोस्तों आपको ये बता ओके okay, कि अगर आपने अपने प्रोफेशन से जो नॉलेज आया अपने ट्रेड से जो नॉलेज आया और वो नॉलेज के लिए कई ऑफिस होल्ड करके रखा होगा मैं सीबीआईसी के बोर्ड मेंबर पे हूं अरे आया है ना ओके मेंबर ऑफ बोर्ड हूँ या फिर मैं कमिटी का जीएसटी के लिए मेंबर हूं चेयरपर्सन हूं अब मैं एम्प्लॉय नहीं हूं पर वो ऑफिस का मुझे कुछ ऑनररी अमाउंट मिल रहा है कमा उस ऑफिस का कुछ ऑनररी अमाउंट मिल रहा है क्या वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा कवर कर लिया उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा समझ लो मुझे ऑनरी अमाउंट वन लाख रुपीज पर मंथ मिलता है एज ए ऑफिस होल्डर एज ए सी ई कोई कंपनी का क्या उस पर भी जीएसटी आएगा यस yes. वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा देखो सर्विस सप्लाइड बाई पर्सन अंडरलाइन होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैजीन एक्सेप्टेड बाई हिम इन द कोर्स ऑफ अदरस ऑफ इज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन तो वो भी बिजनेस बोला जाएगा नो डाउट जीएसटी तभी आएगा जब कंसिडरेशन होगा अगर सर मैंने ऑफिस होल्ड करके रखा होगा और मुझे कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा आई होप यू अंडरस्टूड ये तो हम बिजनेस पढ़ रहे हैं इसके साथ बाकी तो देखना ही पड़ेगा कंसिडरेशन होना चाहिए मेड और अग्री ट्रू बी मेड होना चाहिए सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए क्विड प्रो को होना चाहिए अरे समझ में आया क्या तो ये सारी बातें तो होगी ये तो हम सिर्फ बिजनेस नेचर देख रहे हैं तो वो भी बिजनेस बोला जाएगा जैसे एक्जाम्पल एन एडवोकेट गेट अपॉइंटेड मेंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या सी इन प्रैक्टिस प्रोवाइड सी एफ ओ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्विस ही वुड बी कवर्ड ठीक है वो कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एम्प्लॉय नहीं है और उसको सिटिंग फीस मिल रही है सिटिंग फीस पता है ना आपको तो वो भी जीएसटी में आती है उस पर भी जीएसटी आएगा होल्डर ऑफ एन ऑफिस है ठीक है चलो उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ हाँ एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब तो उन्होंने क्या कहा देखो एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटल सेटर और क्या लाइसेंस बुकमेकर और एक्टिविटी ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सर्च क्लब सिंपल वे में रेस क्लब की एक लाइन में याद रखो रेस क्लब की सारी एक्टिविटीज फिर वो एज अ टोटली सेटर हो या कोई भी हो रेस का रेस क्लब में बेटिंग पैसा लगाना जैसे आपको क्लॉज ए में दिखेगा वेजर वेजर मतलब पैसा लगाना सट्टा खेलना अरे ये सर नो तो वेजर एक्टिविटी भी बिजनेस है क्लॉज ए में दिखेगा आपको वेजर ठीक है तो वेजर एक्टिविटी भी बिजनेस है रेस क्लब की सारी एक्टिविटी पैसा लगाना जितना उसके बाद में एज अ टोटल वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा ओके okay, तो ये एच एक्टिविटी थी बेटा और लास्ट आई एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट आई एक्टिविटी अब देखो आई एक्टिविटी क्या ओके गवर्नमेंट एक्टिविटीज एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ क्या पब्लिक ऑथोरिटी गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज आई रिपीट गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज भी बिजनेस बोली जाएगी और उस पर भी जीएसटी आएगा अनलेस एग्जामेड मैंने क्या वर्ड यूज किया <laughs> उस पर भी जीएसटी आएगा अनलेस एग्जामेड आई रिपीट माई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज भी बिजनेस बोली जाएगी समझ में आया क्या जिस जीएसटी आ सकता है अनलेस एग्जामड तो ये था ए से लेके आय क्लॉस रट्टा नहीं मारना है सिर्फ ऐसा पढ़ना है कि कभी कोई सिचुएशन प्रॉब्लम में आ गई तो आप उसका प्रॉपरली रिमार्क लिख सको आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो चलिए तो अब क्या कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा एक बार सिंपल वर्ड्स में लिख के देख लेते हैं बस इससे ज्यादा आपको और कुछ करना नहीं है तो एक चार्ट बना लेते हैं आ जाओ आदर इसके नीचे या फिर नोटबुक में आ जाओ हाफ पेज लगेगा चार्ट इतना ही बड़ा है ज्यादा बड़ा नहीं है ओके okay. तो आपके चार्ट नोटबुक में आ जाओ <coughs> 217 बिजनेस टाइटल दो लिख के देख लेते दे फटाफट यानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा 217 बिजनेस सैलरी पे तो सर इनकम टैक्स आता है ना बेटा इनकम टैक्स अलग है जीएसटी अलग है पहले दिन का मेरा लेक्चर है इनकम टैक्स तिजोरी टैक्स है जीएसटी बिजनेस टैक्स है दोनों को अलग अलग रखा जाएगा समझा हाँ बोलो स्वाहा ठीक है बिजनेस बेटा अब ज्यादा बोला ना कर दूंगा बाहर स्वाद रहा ठीक <laughs> है तो यहाँ पे मैं सेक्शन टू सेवनटीन बिजनेस मेक टू पार्ट अब देखो श्क, श्क, देखो मैं यहाँ पे दो पार्ट्स क्यों बना रहा हूं ध्यान से सुनना यहाँ पे ओके okay, जहां तक देखा जाए सैलरी पे जीएसटी आता है क्या नहीं आता है डिटेल डिस्कशन बाद में अभी इतना ही नहीं आता है अब देखो यहाँ पे सुनो मैंने दो इसमें डिवाइड किया है और ये दो वर्ड्स मैंने बनाए हैं एक जनरल एक्टिविटी और एक स्पेशल एक्टिविटीज समझ में आया जनरल जो पहली चार है वो तो पहले से थी और बाकी की क्लब वाली एक्टिविटी समझ में आए क्या क्लब वाली एक्टिविटी उसके बाद में ऑफिस होल्डर उसके बाद में रेस क्लब समझ में आए क्या ये जनरली लोग बिजनेस नहीं कहते हैं पर जीएसटी में बिजनेस माना जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड चलो तो दो पार्ट करो पहले जनरल एक्टिविटी फिर स्पेशल एक्टिविटी जनरल एक्टिविटी में लिखो फटाफट यहां पे ए लिखना ट्रेड कॉमर्स जनरल एक्टिविटी में लिखना एक ट्रेड कॉमर्स लिख के लिखते वक्त पूरा ध्यान लिखवा रहा हो सिर्फ आपका लर्न होना चाहिए थोड़ा बहुत वर्डिंग्स पे ग्रीप आनी चाहिए सिर्फ कॉपी मत करना आपका पूरा अटेंशन देना ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन प्रोफेशन वोकेशन और देखो ये वेजेस नहीं वेजर वेजर चाहिए वहां पर वेजर अच्छा वेजर है अच्छा, क्या वेजर है सट्टा लगाना बेटिंग करना हॉर्स रेस में उसको कहते हैं वेजर और आजकल का जमाना है क्या कुछ वर्ड नहीं समझना तो अपना चार्ट जीपीटी ओपन करने का डालने का उसमें वर्ड्स, पिक्चर के साथ आ जाता है हाँ तो यहां पे, तो, तो ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज विथ प्रॉफिट मोटिव और नॉट चलो दूसरा भी लिखो नहीं कोई बात नहीं बेटा यशी अब क्लियर हो गया और डोंट वरी क्वेश्चन पूछने के लिए मैं डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ पूछो जरूर राइट्स बनते हैं आपके पर मेरे जवाब देने के तरीके कभी कॉमेडी हो सकते हैं कभी नॉर्मल हो सकते हैं कभी कैजुअल हो सकते हैं ठीक है सेकंडली को कनेक्टेड इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी ऑफ क्लॉज ए लिखते जाओ ना ना को किसका वेट कर रहे हो ओके कनेक्टेड इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी ऑफ क्लॉज ए सी लिखो एक्टिविटीज इन द नेचर ऑफ क्लॉज एक्टिविटीज इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए even though not in a frequency or volume, even though not in a frequency or volume, मैंने बहुत सिंपल वर्ड में बना दिया कट कर दिया पूरा समझ में आया क्या यहां पे नेक्स्ट डी सप्लाई ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स और सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स और सर्विस आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस और एक्वेजिशन ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स और सर्विस बिफोर कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस इमेजिन कर पा रहे हो लिखते हो क्या पढ़ाया था मैंने आपको अब देखो इमेजिनेशन के लिए हेल्प करेगा मेरा पिक्चर समझ में आया एक्विजिशन या क्लोज चलो अब स्पेशल एक्टिविटी में आ जाओ स्पेशल एक्टिविटी में आ जाओ इसको ऐसा लिखो क्लब एओपी सोसाइटी बीओआई क्लब एओपी सोसाइटी बी कंबाइन करके फैसिलिटी दे रही है किसको फैसिलिटी दे रही है मेंबर्स को फॉर कंसिडरेशन फैसिलिटीज टू मेंबर फॉर कंसिडरेशन सर थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लासेस आई क्लियर ग्रुप वन इन नोवर ट्वेंटी थ्री कांग्रेचुलेशन बेटा थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच अब फटाफट फाइनल क्लियर करना है चलो एफ एडमिशन फॉर फीस टू एनी प्रीमाइसेस एडमिशन फॉर फी एनी प्रीमाइसिस इमेजिन हो रहा है क्या एम्यूज़मेंट पार्क या कोई भी एंट्री टिकट उसके बाद में सर्विसेस एज एन ऑफिस होल्डर नेक्स्ट सर्विसेस एज एन ऑफिस होल्डर उसके बाद में ऑल एक्टिविटीज ऑफ क्या रेस क्लब ऑल एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब और उसके बाद में ऑल सर्विसेस और ट्रांजेक्शंस ऑल सर्विसेस और ट्रांजेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट और एल एल ए मतलब एल मतलब लोकल ऑथॉरिटी एज अ एज अ पब्लिक ऑथोरिटी एज अ पब्लिक ऑथॉरिटी ठीक है देखो ये डेफिनेशन को मैंने एग्जाम्पल पिक्टोरल प्रेजेंटेशन भी दे दिया एग्जांपल्स भी दे दिए इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स को सिंप्लीफाई भी कर दिया यहां मेरा रोल खत्म होता है इसके बाद आपका रोल स्टार्ट होता है तो यहां पे हमने खत्म कर दिया डेफिनेशन ऑफ क्या yeah. बिजनेस नालायक ओ स्पीड कम पड़ रही है आपकी ठीक है अच्छे से लिखो क्या बोला डीले बेटा लैग हो रहा है आपके राइटिंग में ठीक है तो यहां पे श्क 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 अब देखो प्लीज मुझे ये बताओ एक मिनट आपकी पर्सनल कार है आपका पर्सनल मोबाइल है फटाफट फड़ देखो बताया हुआ है पर्सनल कार है पर्सनल मोबाइल है और आप एक सेकेंड हैंड डीलर को बेच रहे हो तो पर्सनल कार जब आप सेकेंड हैंड डीलर को बेचोगे तो हु इज द सप्लायर जो बेच रहा है जिसको पैसा मिल रहा है तो हु इज द सप्लायर यहां पे ये और लेने वाला डीलर डीलर बायर है तो मुझे बताओ अगर आप अपनी पर्सनल कार बेचते हो तो क्या ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा नहीं ये सीबीआईसी ने भी क्लैरिफाई किया सीबीआईसी ने कार्यवाही किया कि अगर आपके पर्सनल नेचर के गुड्स हो और बिजनेस का गुड्स नहीं होगा एक सिंपल एग्जांपल बताता दो घर की रद्दी बेची तो बिजनेस नहीं पर बिजनेस की रद्दी बेची तो बिजनेस समझ में आया क्या आई रिपीट माई स्टेटमेंट क्या कहा मैंने घर की रद्दी बेची तो बिजनेस नहीं पर बिजनेस की रद्दी बेची तो बिजनेस उस पर भी जीएसटी लगेगा आई होप यू अंडरस्टूड ठीक है लोग नहीं लगाते वो बात अलग है पर अब जब स्ट्रुटी नहीं होती तो फिर बहुत डेंजरस होती है फिर वैसी होती है अरे है ना ओके okay, फिर वैसी स्क्रूटिटी होती है कि फिर ऐसा तगड़ा झटका लगाएंगे कि पूरी भारत लेके आए समझ में आए क्या तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है पर्सनल कार आपने बेचा पर्सनल मोबाइल बेचा, बेचा कोई पर्सनल गुड्स बेचा ओके okay, तो उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा अच्छा मुझे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किसके एंगल से लेना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स नहीं आएंगे अगर आप ध्यान दोगे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मुझे बायर के एंगल से देखना है या सप्लायर के एंगल ऑलवेज सप्लायर के एंगल से अगर मैं बायर के एंगल से देखू तो गड़बड़ हो जाएगी क्यों गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि जो कार जिसको बेच रहा है उसका तो बिजनेस है ना भाई पर उसका नहीं देखना है वी हैव टू चेक फ्रॉम सप्लायर ओके और सप्लायर अपनी पर्सनल कार बेच रहा है तो ओके नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आई होप यू अंडरस्टूड नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ओके क्यों क्योंकि उसकी पर्सनल कॉर है और हमको सप्लायर के एंगल से देखना है तो यही तो टाइटल दिया मैंने सप्लाय इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर एंड नॉट ऑफ द क्या रेसिपिंग आपको जो देखना है वो सप्लायर के एंगल से देखना है ओके okay, तो देखो द टर्म सप्लाय इज अज फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन हुई इज सप्लाइंग एंड नॉट पर्सन हुई इज क्या रेसिपिंग दस इफ सप्लाई इज नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा रियली इवन अदरवाइज जीएसटी कैनोट अप्लाई एज इंडिविजुअल सेलिंग इज ओल गुड्स इज नॉट इज इन द नेचर ऑफ कोर्स ऑफ क्या बिजनेस एक सीबीआई क्लैरिफिकेशन था पर्सनल एक्टिविटी पे इंडिव्यूजल बायर सॉरी इंडिव्यूजल बाइज अ कार फॉर पर्सनल यूज एंड आफ्टर अयर सेल इट टू अ कार डीलर विल ट्रांजेक्शन बी ए सप्लाई इन टर्म्स ऑफ जीएसटी पर्सनल था समझ लो देखो मैंने कार खरीदी और मैंने कार बिजनेस की असैट बताई और अगर मैंने कार बिजनेस की असैट बताई होगी और बेचा होगा तो फिर वो जीएसटी आएगा पर अगर मैंने बिजनेस की असेट नहीं बताई मेरी पर्सनल बताई तो और वो बेचा तो जीएसटी नहीं लगेगा अगर मैंने खरीदते हुए क्या बताता हो इन द नेचर क्या है वो उसके बेस पर होगा इन सिंपल वर्ड बिजनेस का कोई भी गुड्स बेचा वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा ठीक है तो नो बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड बाय इंडिविजुअल इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या बिजनेस फर्दर नो इनपुट टैक्स क्रेडिट वॉज एडमिसबल ऑन सच कार एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन एज इट वॉज मीन फॉर क्या नॉन बिजनेस ओके तो इस तरह से हमने यहां पे ओके okay, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है मोस्टली पर्सनल गुड्स समझ में आया मोस्टली पर्सनल गुड्स चलिए अब यहां पे नीचे आते हैं कुछ फटाफट फड़, कुछ सॉल्व करेंगे कुछ यहीं कंप्लीट करेंगे ठीक है यहां पे पहला क्वेश्चन लिमिटेड मैन्युफैक्चर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर गारमेंट्स सोल्ड इट्स ओल्ड मशीनरी उसने अपनी पुरानी मशीनरी बेची टू लैक्स टू मिस्टर एक्स इज दिस ट्रांजेक्शन बिजनेस एक्टिविटी यस यस क्लॉज लिखना है तो क्लॉज भी लिख दो कौन सा इंसिडेंटल और एनसिलरी तो लिख दो यस क्लॉज बी ऑफ सेक्शन टू सेवनटीन ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा नहीं बेटा ये इन बिटवीन नहीं लूंगा मैं टाइम दूंगा डाउट्स के लिए प्लीज प्लीज पैम मत करो मैं टाइम दूंगा ओके इन बिटवीन नहीं लूंगा मेरा फ्लो मेरा तरीका ऐसा है कि मेरा फ्लो बिगड़ता है मैं आपको स्पेशल टाइम दूंगा बिजनेस की डेफिनेशन खत्म होने दो फिर मैं टाइम देता हूं ना आपको ठीक है क्योंकि मुझे पता है और मैं ट्वेंटी ईयर्स से पढ़ा रहा हूं मुझे पता है आप क्या सोचोगे मेरे कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में आएगा अगर आप ध्यान दोगे नहीं दोगे तो मैं स्पेशल टाइम दूंगा डेफिनेशन होने के बाद ठीक है यहां पे इन बिटवीन पूछो भी मत वो स्क्रॉल हो जाएगा नाउ पी ट्वेंटी वन तो यहां पे मिस्टर ए इज अ ट्रेडर हु इज डीलिंग इन सेल और परचेस ऑफ क्या कंप्यूटर मिस्टर बी वॉन्ट टू स्टार्ट द सेम बिजनेस एंडहेंस ही ऑप्टेन अ कंसल्टेंसी फ्रॉम मिस्टर ए रिगार्डिंग दि मतलब वो कंप्यूटर का बिजनेसमैन है पर वो कभी कभी कंसल्ट कभी कभी कंसल्टेंसी देता है इन नेचर और वॉल्यूम में नहीं पर कभी कभी देता है तो क्या वो भी बिजनेस बोला जाएगा इज इट ट्रू दैट मिस्टर ए हैज कंडक्टेड बिजनेस एक्टिविटी बाय गिविंग द टू मिस्टर बी गिव रीजन ऑफ द सेम लिखो यस क्लॉस सी ऑफ सेक्शन टू वो वॉल्यूम में हो या ना हो वो बिजनेस माना जाएगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट पी ट्वेंटी टू केवा लिमिटेड परचेस वेरियस गुड्स एंड मशीनरी टू सेटअप द फैक्ट्री दिस परचेस वेर मेड फॉर मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्री स्टेट वेदर purchase ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल डन इन the कोर्स ऑफ business. Yes, yes. लिख दो यस यही लिख दो ये लिखने की जरूरत भी नहीं आपको पता है सिंपल वर्ड में मैंने चार्ट बना के दे दिया क्या यस क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 217 सेवनटीन सेक्शन टू चलो पी ट्वेंटी हो गया उसके बाद में पी ट्वेंटी थ्री एक्सवाइजेड लिमिटेड हैज क्लोज इज फैक्ट्री इन ईयर ट्वेंटी एक्स एक्स फैक्ट्री क्लोज थी सम मशीन फर्नीचर एंड स्टॉक रिमेन्स अ फैक्ट्री एट द टाइम ऑफ इट्स क्या क्लोजर

पी हाँ, P24 देखो एट प्रेस्टीज पॉइंट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव फॉर्म अ प्रेस्टीज पॉइंट स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेस्टीज पॉइंट पे कुछ स्टूडेंट्स ने एसोसिएशन बनाया ओके okay, क्या प्रेस्टीज पॉइंट स्टूडेंट एसोसिएशन इस एसोसिएशन का काम ये था कि जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको मेथ अच्छे कहाँ पे है रहना कहाँ पे है पीजी जी कहाँ पर है हॉस्टल कहाँ पे है ये एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को हेल्प कर रहा था वो अपनी बुक्स प्रोवाइड करना पुरानी बुक्स प्रोवाइड करना स्टडी सेंटर के लिए हेल्प करना क्लासेस कहाँ लगाना ठीक है तो ये सारी एक्टिविटी के लिए वो स्टूडेंट एसोसिएशन दूसरे को हेल्प करती थी और रियली really ऐसा हुआ था मुझे याद है टू थाउजेंड में ओके कुछ स्टूडेंट ने एसोसिएशन बनाया और उन्होंने एक्टिविटी की ओके okay, फिर पता नहीं अब वो एसोसिएशन बंद पड़ गया बाकी जो भी है ओके okay, पर उन्होंने बहुत हेल्प किया स्टूडेंट्स को स्पेशली जूनियर्स को ओके okay, तो यहां पे दिस एसोसिएशन मेड 1000 क्या मेंबर्स इट इज़ प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज लाए ओके एंड सर्विस लाइक ड्रिंकिंग वाटर स्टडी सेंटर फूड पी जी ओनली टू इट्स क्या मेंबर अपने मेंबर को दे रहा है दिस एसोसिएशन चार्जिंग सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ हंड्रेड फॉर एवरी मेंबर मेंबर होने के लिए आपको सौ रुपए चार्ज किए गए एंड मिनिमम चार्जेस ऑफ वेरियस फैसिलिटीज वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एसोसिएशन टू इट्स मेंबर ट्रीटेड एज बिजनेस फॉर लेवी ऑफ जीएसटी क्या एसोसिएशन अपने मेंबर को जो फैसिलिटीज दे रहा है क्या वो बिजनेस बोला जाएगा यस yes, ये लिखो ये लिखो क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है ये लिखो ये एग्जाम में आ सकता है लैग ये तो है चेक कर रायड ऐस पर द डेफिनेशन ऑफ रायड पी ट्वेंटी फोर पी ट्वेंटी फोर इन योर बुक्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लैग होते मैं ना क्लास ये है क्लास नॉर्मल हो गई अरे एक मिनट यूट्यूब पे लेक्चर चालू है ना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो शिफ्ट टू यूट्यूब शिफ्ट क्या यूट्यूब ठीक है सर डेली थोड़ी यूट्यूब पे होगा बेटा अभी तो हो जाना शिफ्ट ठीक है अब आगे का टेंशन में अभी क्यों लू ठीक है टर्न टू अवर डिस्कशन एट द प्रेस्टीज पॉइंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है प्रेस्टिज अच्छा सॉरी एक मिनट एक मिनट जो अभी ज्वाइन हुए हैं आप आंसर लिख लो मैं आंसर लिखते लिखते आपको वापस रिपीट कर देता हूं आप आंसर लिख लो पी ट्वेंटी फोर आपको नोटबुक लेना है नोटबुक में लिखना है तो लिखो एज पर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस Definition of business It includes facility, it includes facility provided by club, society, or association. सोसाइटी एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर सब्सक्रिप्शन और अदर कंसिडरेशन लिखते वक्त पूरा ध्यान फॉर सब्सक्रिप्शन और अदर कंसिडरेशन अदर कंसिडरेशन पैरा चेंज नीचे लिखो सो इन गिवन केस सो इन गिवन केस लिखो यहां पे सर्विसेस और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय प्रेस्टीज पॉइंट स्टूडेंट एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर मेंबरशिप ऑफ फीस and minimum charges for other services are in the course of business and liable to gst अब uh, किसी स्टूडेंट्स का लैग हो रहा था तो मैं दो मिनट में केस स्टडी समझा देता हूँ कि एक एसोसिएशन बनी स्टूडेंट्स की और वह अपने ही मेंबर member को मेंबरशिप फीस लगा रही है तो क्या एक एसोसिएशन अपने ही मेंबर member को मेंबरशिप फीस लगा रही है क्या वो बिजनेस बोला जाएगा तो so यस yes, वो बिजनेस बोला जाएगा देन चलो ये क्या हुआ बेटा पी ट्वेंटी फोर अब आ जाओ नेक्स्ट पी ट्वेंटी फाइव

परत रिस्टार्ट कर चैट नहीं चैटिंग नहीं चालू है उसके बाद में पी ट्वेंटी स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस पब्लिक सर्विसेज लाइक पब्लिक हॉस्पिटल रोड मेंटेनेंस क्लीनिंग एक्सेट्रा एंड दे आर चार्जिंग सम अमाउंट टू पब्लिक फॉर द सेम स्टेट वेदर स्टेट गवर्नमेंट इज रेटेड एज अ पर्सन अंडर जीएसटी एंड ऑल्सो स्टेट वेदर दे आर डूइंग द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज बिजनेस है बिजनेस एक्टिविटी है एक मिनट जीएसटी आएगा है नहीं आएगा ये एग्जामिशन पे पर सवाल क्या है जीएसटी आएगा है नहीं आएगा पूछा है या बिजनेस है या नहीं है पूछा है। सवाल पूछा है बिजनेस है या नहीं है तो लिखो वही लिख दो वही लिख दो यस गवर्नमेंट इज अ पर्सन यस गवर्नमेंट इज अ पर्सन एंड देयर एक्टिविटीज एज अ पब्लिक ऑथोरिटी इज अजनेस देर एक्टिविटीज एज अ पब्लिक ऑथोरिटी इज अजनेस इज अजनेस चलिए तो इस तरह से हमने यहां डेफिनेशन खत्म किया कौन सी डेफिनेशन बिजनेस की अब चलिए दोस्तों आप अपने जो हमारा चार्ट था सेक्शन सेवन का तो आपने नोट्स में ड्रॉ किया होगा हमारे स्टडी मैट में ड्रॉ किया होगा तो वहां पे या आपने नोटबुक में ड्रॉ किया होगा तो उस पर कुछ या देखो वहां वहाँ चार्ट पे जाओ सेक्शन सेवन के सेक्शन सेवन के चार्ट पे जाओ आगे आप सेक्शन सेवन के चार्ट पे यस और नो ये ये चार्ट आप हम बना रहे थे कुछ याद है आपको इसमें हमारा पहला पार्ट ब्रॉड सेंस में हो गया लगभग बहुत सी एक्टिविटीज भी डिस्कस हो गई कुछ माइक्रो माइक्रो छोटी छोटी बातें डिस्कस करनी रही तो कल मैं रिवीजन के साथ डिस्कस करूंगा ठीक है तो अब यहाँ पे सेवन वन ए हो गया एक मिनट हम कहां पे एक बार मैपिंग सेवन वन सेवन टू कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन उसमें सेवन वन ए उ किस में है? 7, 1, A. ये हमारा पूरा हो गया अब हम आएंगे 7, 1, B. अब देखो मैं आपको यह कहना चाहूंगा दो मिनट में समझ लो आपकी एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है आप पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा यह मेन क्लॉज है ए अरे हाँ है ना ये मेन क्लॉज है क्या ए प्राइमरीली आपको ए पे ही डिसाइड करना है बाकी तो कनेक्टेड छोटी छोटी एक्टिविटी मतलब सप्लाय में ये मेन वड़ा पाव है बाकी तो चटनी है या मिर्ची है अरे है ना जो वड़ाओ पाव के साथ सप्लाई में आई है समझ में आया क्या तो एक मिनट सेवन वन है ये तो मेन वड़ा पाव है ये तो मिर्ची चटनी है साथ साथ में टेस्ट आ जाती है हाँ सप्लाई, समझ कि नहीं ये समझा नहीं समझा ओके तो अब ये जो दो मिर्ची चटनी है इसको भी देख लेते हैं अच्छा तो मेन वड़ापाव यही कहता है कि अगर कंसिडरेशन होगा तो ही जीएसटी बिजनेस में होगा तो ही जीएसटी समझ में आए क्या फ्री होगा तो जीएसटी नहीं चलिए तो अब मिर्ची चटनी देख लेते हैं तो आ जाते हैं सेवन वन बी में बी में क्या लिखा है सेवन वन बी में क्या लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस चलो हमारे नोट्स में आ जाओ ओके आप कौन से स्टडी मैट में आ जाओ ट में आप जो है कौन से पेज पे हो ये चार्ट पे बार बार आना पड़ेगा इसलिए नंबर याद रख लो पेज नंबर जो भी है या फिर आपने नोटबुक में ड्रॉ किया होगा तो उसमें अब आ जाते हम सेवन वन बी में और सेवन वन बी टॉक अबाउट क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हाँ, अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो एक है सेवन वन ए ए ये थोड़ा मैं बाद में लूंगा आई रिपीट सेवन वन ए थोड़ा मैं बाद में लेता हूं पहले मैं कवर कर लेता हूं सेवन वन बी तो यहां आ जाओ टाइटल दिखा आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेस आई थिंक पेज नंबर कौन सा है सिक्सटी वन के आसपास देख लेना है सिक्सटी वन होगा ठीक है तो इंपोर्टेशन ऑफ क्या बेटा सर्विसेस फॉर क्या कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑर फर्दरस ऑफ बिजनेस देन हा अब देखो यहां लिख दो साइड में सेक्शन सेवन वन में ही हम और क्लॉज बी सेक्शन सेवन वन क्लॉज बी सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अंसिडरेशन कंसिडरेशन को ऐसा बदल करना इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट ये हाईलाइट करना वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या बिजनेस ओके चलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस यानी यहां पे ध्यान से सुनना सर्विस बाहर से इंडिया में आ रही है ओके okay, मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको याद होगा अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोई बाहर वाला है इंडिया में सर्विस देता है सर्विस टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है अगर कोई भी इंडिया में सर्विस देता है इंडिया का बंदा या बाहर वाला बंदा ओके okay, उसके ऊपर जीएसटी आएगा हाँ बस इतना ही है कि बाहर वाला बंदा अगर इंडिया में सर्विस देता है तो जीएसटी आएगा पर उसका टैक्स सप्लायर नहीं रेस्पियन देगा अंदर क्या रिवर्स चार्ज रिवर चार्ज में रिसिपियन उसका टैक्स देगा तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि अगर बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट होती है तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा यस वो सप्लाई माना जाएगा मानते हैं कि सप्लाई जनरली सप्लायर के एंगल से होता है सप्लाई जनरली सप्लायर के एंगल से होता है पर ये केस में सप्लाई जो है ओके वो रिसिपियन के एंगल से रहेगा ओके और यहाँ अगर इंडिया का कोई भी रिसिपियन बाहर से सर्विस इंपोर्ट करता है तो उस पर जीएसटी आएगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके अब देखो एक एक वर्डिंग समझ लो ये आपकी जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर क्या कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए वेदर और नॉट इन द कोर्स और फदर ऑफ बिजनेस थोड़ा एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा समझ लो मैं इंडिया में हूं मेरी फर्म है वी स्मार्ट एकेडमी और मैं बाहर से यूएसए के एक कंपनी से एक्स वाई जेड से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लेना चाहता हूं क्या मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी लेना चाहता हूँ ओके okay, मैं एक सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप कर रहा हूँ या एलएमएस डेवलप कर रहा हूँ ओके okay, या फिर मैं चैट जीपीटी के साथ अपना ऐप कनेक्ट कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना चाहता हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैं बाहर वाले की सर्विस इंडिया में लेना चाहता हूँ और वो सर्विस कौन ले रहा है वी स्मार्ट सप्लायर कहाँ पर बेटा इंडिया के बाहर है इंडिया में सर्विस लेने वाला वी स्मार्ट इंडिया में है ओके okay, तो क्या सर्विस इंडिया में प्रोवाइड की गई यस yes. ओके okay, सर्विस इंडिया में प्रोवाइड की तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्यों क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस टैक्स है और नाउ सेक्शन सेवन वन बी क्लियर कहता है कि ये जो आपने सर्विस इंपोर्ट की ओके okay, ये इंपोर्ट सर्विस जो है ओके okay, ये सप्लाई माना जाएगा ओके okay, पर वो सप्लाई मानने के लिए क्या कह रहे हैं वो सप्लाई मानने के लिए कह रहे हैं कि ये जो है इसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है मैंने यहाँ पे भी वर्ड क्या है बेटा कंसिडरेशन मतलब अगर आप कोई सर्विस फ्री ले रहे हो कोई फॉरेन वेबसाइट है और फ्री कंटेंट दिया है उसके ऊपर समझ में आया क्या यूट्यूब है फ्री कंटेंट दिया हुआ है या इंस्टा है फ्री कंटेंट दिया हुआ है समझ में आया क्या और वो आप अगर सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो कोई आ, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी है फ्री है समझ में आया तो जो भी सर्विस अगर बाहर से फ्री आती है वेरी इंपॉर्टेंट फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं है क्योंकि कंडीशन ये है कि उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है मतलब इंडिया का बंदा उसको पे कर रहा होगा तो ही जीएसटी आएगा फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा आई होप यू अंडरस्टूड यस और नो तो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा तो so, ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सर अब देखो वो क्या कहते हैं आगे वर्डिंग्स देखना मेरे साथ पढ़ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन जिसका पेमेंट इंडिया से जा रहा है ठीक है और जिसने सर्विस ली जिसने सर्विस ली वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो सर्विस क्योंकि ये जो है रिसिपियंट के एंगल से तो जो सर्विस ले रहा है वो बिजनेस के लिए ले या ना ले सप्लाय बोला जाएगा जीएसटी आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेवन वन ए एंड सेवन वन बी चार्ट को इमेजिन करो सेवन वन ए एंड सेवन वन बी दोनों में डिफरेंस क्या है सेवन वन ए सप्लायर के एंगल से है अरे है ना सेवन वन ए सप्लायर के एंगल से है तो यस सेवन वन ए की बेसिक कंडीशन है कि सप्लायर जो भी सप्लाय करेगा वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो ये जीएसटी आएगा पर सेवन वन भी स्पेसिफिकली इंपोर्ट सर्विस का है और वो रिसीपिएंट एंगल से समझ में आया क्या और वो कह रहा है कि अगर इंडिया में कोई भी सर्विस इंपोर्ट करता है तो वो सप्लायर बोला जाएगा और जिसने सर्विस ली वो बिजनेस के लिए ले या ना ले बिजनेस के लिए ले या ना ले क्या उसके ऊपर सप्लाई कहे कि जीएसटी आएगा यस और नो हां कुछ एग्जामेशन है इसमें वो एग्जामेशन में पड़ा होगा पर अभी तो समझ लो इट्स अ सप्लाई इसका मतलब यह हुआ कि वी स्मार्ट ने अगर ये सर्विस बिजनेस के लिए ली होगी तो भी जीएसटी आएगा फॉर कंसिडरेशन आई रिपीट द वर्ड क्या फॉर कंसिडर और समझ लो कोई बिजनेस के लिए नहीं पर्सनल पर्पज के लिए ले रहा है समझ लो मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है और वहां के कौनसुलेट कौंसुलेट ऑफिस का सर्विस लिया मैंने या वहाँ पे कोई कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अच्छे हैं वहां बहुत सारी एजेंसीज होती है ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी का मैंने सर्विस लिया या कौनसुलेट ऑफिस का सर्विस लिया कि भाई मुझे ओके okay, वहाँ के कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकती है नहीं मिल सकती है कौन सी पढ़ाई अच्छी हो सकती है नहीं हो सकती है इसका मुझे सर्विस दो अरे यस और नो और ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने मुझे सर्विस दिया जो मेरे एजुकेशन के लिए है जिसका पेमेंट मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में किया कंसिडरेशन दिया तो भाई साहब मैंने बिजनेस के लिए नहीं लिया मैंने अपने पर्सनल एजुकेशन के लिए लिया क्या इस पर भी जीएसटी आएगा हाँ आएगा इस पर भी जीएसटी आएगा अब मेरी बात समझी क्या है ओके okay, तो स्पेशली ये एरिया में ध्यान रखना आपने जो ट्रांजेक्शन किया हो ओके okay, वो बिजनेस के लिए किया हो या पर्सनल के लिए किया हो वो सप्लाई माना जाएगा लेकिन आगे एक एग्जामेशन है और ख्याल रहे अब आप इनअप मैच हो एग्जामेशन उसे ही दे सकते हैं जिसके ऊपर लेवी है मतलब मैं कह रहा हूं कि सप्लाई बट क्या कुछ केसेस में एक्समटेड और मैं बता देता हूं कौन से केसेस में में आगे एक आएगा चैप्टर जो अभी बता देता हूं कि अगर किसी इंडिविजुअल ने आई रिपीट अगर क्या किसी इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पहले तो वो कौन होना चाहिए इंडिविजुअल पहले होना चाहिए इंडिविजुअल और अपने पर्सनल पर्पज के लिए सर्विस लेता है तो फिलहाल एक वर्ड यूज हूं मैं क्या फिलहाल है फिलहाल एग्जाम मतलब क्या मतलब यह कि इट्स अ सप्लाय आई रिपीट इट्स अ सप्लाय बट एग्जाम आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे मैं आपको इसका एनालिसिस यहां बता देता हूं ओके okay, देखो अगर हम एनालिसिस करें तो एनालिसिस जो है कुछ इस तरह से आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज फॉर क्या कंसिडरेशन दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करो फ्री इंपोर्ट ऑफ सर्विस हाईलाइट करो फ्री इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट लाइबल टू जीएसटी अनलेस मेंशन इन पैर ऑफ फोर ऑफ शेड्यूल वन वो बाद में देखेंगे अभी तो अभी तो आप ही याद रखो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है थर्ड इवन इफ सर्विस इंपोर्टेड फॉर द पर्पज अदर देस वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाय एक मिनट आपने बिजनेस के अलावा भी सर्विस इंपोर्ट की तो क्या वह सप्लाय बोला जाएगा यस yes. वो सप्लाय बोला जाएगा ओके नेक्स्ट बट इफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन इंडिव्यूजल ए एन एन करना एंड नहीं वहां पर एन करना बाय एन इंडिव्यूजल इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन क्या कॉमर्स इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन देन दैट इज कवर्ड अंडर क्या एग्जामेशन अगर इंडिया के किसी इंडिविजुअल ने सर्विस इंपोर्ट की अदर देन फॉर इंडस्ट्री अदर देन फॉर कॉमर्स अदर देन फॉर बिजनेस इन शॉर्ट अपने पर्सनल पर्पज के लिए तो क्या उसको एग्जाम्शन मिलेगा यस yes. पर ये बेनिफिट सिर्फ किसको अवेलेबल है इंडिविजुअल ये बेनिफिट सिर्फ इंडि पर्सनल पर्पज के लिए आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया अपने पर्सनल पर्पज के लिए मूवी देखने के लिए वो एग्जाम्प

आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ क्या बेटा यूएस डॉलर फाइव थाउजेंड वेदर इट वुड बी ट्रीटेड एट सप्लाई पहला क्वेश्चन समझो क्या वो सप्लाई बोला जाएगा एंड लाइबल टू जीएसटी एक मिनट पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या वो सप्लाई है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है वेदर और नॉट फॉर बिजनेस समझ में आया क्या क्या यह सप्लाय बोला जाएगा हा बट एग्जाम क्यों एग्जाम है क्योंकि किसी इंडिविजुअल ने अगर बाहर से सर्विस ली और अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली, ली समझ में आया क्या तो वो फिलहाल क्या एग्जाम आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो इस तरह से हमने यहां पे ये सेक्शन सेवन वन बी देखा ये सर नो तो चलो इसको एक बार लिख लेते चार्ट में आ जाओ हमारे बड़े वाले चार्ट में आ जाओ हमारे बड़े वाले चार्ट में जहां पे भी आपने ड्रॉ किया होगा सेवन वन बी सेवन वन बी एक मिनट आपने सेवन वन ए लिखा है उसके बाद में क्या सेवन वन बी चलो लिखो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस टाइटल दिया हुआ है क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस टाइटल दिया हुआ है उसके नीचे लिखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम मीन्स रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखो फर्स्ट डैश अच्छा ये सर्विस में क्या होना जरूरी है कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन सेकेंड वेदर आर नॉट वेदर आर नॉट इन द कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस वेदर आर नॉट इन द कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस हा आप बिजनेस के लिए लो या ना लो पर एक एग्जाम्शन लिख लो नोट एग्जाम्शन It is a service. Sorry, sorry, sorry. If a service is imported, imported for non business purpose, is imported for kya? non business purpose, non business purpose. then it would be exempted, then it would be exempted. वैसे तो टाइटल ही दिया है हमने क्या एग्जामेशन देन इट वुड बी एग्जम्पटेड चलिए अब यहां पे ये तो हमने देखा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का अब आपके कुछ सवाल हो, हो सकते हैं सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का क्या तो अगर देखो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई में डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सप्लायर इंडिया का ही है वो सेवन वन ए में ही आ जाता है नहीं समझ में आया एक मिनट हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्यों डिफाइन करना पड़ा क्यों क्योंकि लाइबिलिटी सप्लायर पे नहीं रिसिपियन पे थी अरे है ना तो वो केस में हमको ये बताना पड़ा कि भाई कोई इंडिया में सर्विस इंपोर्ट करेगा तो वो भी सप्लाई माना जाएगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी रिसिपियन पे आएगी इज इट क्लियर लेकिन एक्सपोर्ट मैंने एक्सपोर्ट किया तो वो तो सप्लायर इंडिया का ही है वो तो सेवन वन ए में ही आ जाता है कैसे सेवन ए में कैसा आएगा सप्लाय फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस समझ में आया क्या तो एक्सपोर्ट सर्विस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ओके okay, वो सेवन वन ए में आ जाता है दूसरा सर आपने सेक्शन सेवन वन बी में ओके जस्ट यू हैड टॉक अबाउट क्या यू हैड टॉक अबाउट इंपोर्ट ऑफ क्या सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में आपने बात किया व्हाट अबाउट इंपोर्ट ऑफ गुड्स व्हाट अबाउट क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो मैं आपको यह बता ओके okay. अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा कम ऑन क्या कहा मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो वो सिचुएशन में वो गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट आई रिपीट द वर्ड क्या गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है पर वो कस्टम एक्ट में लगता है बीसीडी कुछ याद आ रहा है बीसीडी बीसीडी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी और दूसरा एसीडी जिसको हम क्या कहते हैं आई जी एस टी समझ में आए क्या तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इट इज ऑलरेडी गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट ठीक है हा सर्विस पे कस्टम एक्ट नहीं लगता है क्योंकि कस्टम एक्ट ओनली ऑन गुड्स सर्विस में नहीं लगता है इसलिए एक नोट लिख लो नीचे ओके okay, इसके नीचे नोट नंबर टू लिखो यहां पे राइट नोट नंबर टू ये नोट आपने पहला एग्जाम्शन लिखा नोट नंबर टू लिखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ क्या गुड्स इज गवर्न बाय

एंड एसीडी इक्वल्स टू आई जी एस टी एसीडी इक्वल्स टू क्या आई जी एस टी इज पेबल एसीडी एसीडी मतलब एडिशनल कस्टम ड्यूटी आई जी एस टी इज पेबल डन ये सो नो तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस सर ये जो जीरो रेट सप्लाई है अब देखो मैं पढ़ाता क्या और आप लेते क्या हो कुछ स्टूडेंट ने क्या लिया जीरो रेट सप्लाई ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लगता है नहीं भाई ये सिर्फ एक्सपोर्ट को लगता है समझ में आया तो अब ये जीरो रेट सप्लाई मतलब क्या अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इट्स अ सप्लाई और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं सप्लाई सेवन मन ए का सप्लाई वो अरे है ना बट गवर्नमेंट उसको जीरो करेगी कुछ कंडीशन पे समझ में आया ना गवर्नमेंट उसको रेट जीरो करेगी कुछ कंडीशन पे तो एक्सपोर्ट होता है तो जीरो रेट के बेनिफिट मिल सकते हैं अगर पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आया हो आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो ये था रिगार्डिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस अब आपको क्या करना है यहां पर पे? यहां पे ये जो सेवन वन ए था ना उतना उसका ही स्पेस यानी ऊपर यहां उसको ही क्लोज करना है किसको क्लोज करना है सिर्फ सेवन वन ए को क्लोज करना है देन और उसके नीचे लिखना है सेवन वन ए नीचे लिखना है सेवन वन ए किस क्लोज करना है बी को नहीं सिक्स सेवन वन ए के पार्ट को ही क्लोज करना है और उसके नीचे लिखना है क्या सेवन वन ए चलो अब सेवन वन ए ए यहां पर आ? नोट कौन सी अलिये दो, अलिये दो, अलिये दो। नहीं नहीं वो नहीं भी लिख हमारा हो गया ना वो एडवांस का आपको लिखना है क्या वो चलो लिखना है तो लिख दो मेड और ओके चलो लिखना है तो लिख दो मेड और अग्रीड टू बी मेड ठीक है शॉर्ट में वो नोट लिख दो नोट लिख दो लिखना हो तो केस ऑफ एसओजी एसओजी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एसओजी नो जीएसटी ऑन एडवांस रिस्यूड कुछ याद आ रहा है नो जीएसटी ऑन एडवांस रिस्यूड कौन सा नोटिफिकेशन है 66 सिक्स बाय टू थाउजेंड सेवेंटीन ओके सिक्सटी सिक्स सर आपके लेक्चर की ड्यू डेट क्या है जिस दिन मैं डिसाइड करूं ओके सिक्सटी सिक्स बाय टू थाउजेंड सेवेंटीन वैसे तो मैंने डेट पहले दिन बता दी ना ठीक है ट्वेंटी थर्ड के आसपास रहेगा और जीएसटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्या इन वॉइस चलो बी बी लिखो इन केस ऑफ क्या एसओ एस केस ऑफ एसओ एस अच्छा एसओएस के केस में जीएसटी एस इज पेबल ऑन एडवांस और इनवाइस एवर इज अर्लियर एडवांस और इनवाइस वॉइस विच एवर इज अर्लियर डन चलो अब ये क्लोज कर दो और नीचे लिखो सेवन वन ए ए क्लोज करो और नीचे लिखो सेवन वन ए ए ठीक है और यहां पे आपको सेवन वन ए जो है यहां पे लिखा सेवन वन ए टाइटल दो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बिट्वीन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बिट्वीन पर्सन ब्रैकेट में अदर देन इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स एंड इट्स मेंबर यहां आपको नीचे जो डायग्राम बनानी है जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना एनी पर्सन ब्रैकेट में अदर देन इंडिविजुअल एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और ये साइड लिखना है मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक यहां पे लिखो एक्टिविटी यहां पे लिखना एक्टिविटीज or transactions activity or transactions for activity or transaction for consideration

दर वैल्यूएबल कंसिडरेशन अदर वैल्युएबल कंसिडरेशन और बीच में ऐसा लिखना वाइस वर्षा वाइस वर्षा ठीक है बीच में लिखना वाइस वर्षा ठीक है अच्छा मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे थोड़ा इधर ध्यान दो मैं एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मतलब किसकी बात कर रहा हूं कंपनी एओपी बीओआई ट्रस्ट बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप फर्म एक मिनट एल एल पी कुछ समझ में आया क्या एच यू एफ मतलब एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल अब यहां पे सवाल यह था कि कोई भी पर्सन अपने मेंबर को ही सर्विस दे रहा है एच यू एफ अपने एक मेंबर को सर्विस दे रहा है नो so, सोसाइटी yes no? अपने मेंबर को सर्विस दे रही है गुड्स और सर्विस ट्रांजेक्शन कर रही है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर के साथ ट्रांजेक्शन है क्लब एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अपने मेंबर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है फॉर कंसिडरेशन अच्छा उसमें कंसिडरेशन है और कंसिडरेशन में भी कैश डेफिट पेमेंट और क्या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन तो क्या कोई भी पर्सन ट्रस्ट ट्रस्ट अपने ही ट्रस्टी या मेंबर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है फॉर क्या कंसिडरेशन क्या उस पर जीएसटी आएगा यस yes. वो सप्लाई माना जाएगा वो सप्लाई माना जाएगा और वो तो बिजनेस भी है क्लब क्लब याद आ रहा है क्या सप्लाई माना जाएगा और वो बिजने... मतलब इन शॉर्ट इन्होंने इतना क्लियर रखा कि भाई वो आप ट्रस्ट हो और अपने मेंबर को ही सप्लाई कर रहे हो आप सोसाइटी और अपने मेंबर को ही सप्लाई कर रहे हो यानी इंडिया के किसी भी ट्रस्ट ने सोसाइटी ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने एच ने कंपनी ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने कॉरपोरेशन ने अपनी मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट से कुछ गुड्स और सर्विस के सप्लाई का पैसा लिया कुछ गुड्स और सर्विस के सप्लाई का पैसा लिया तो क्या जीएसटी आएगा यस yes. या वाइस वर्सा अगर मेंबर अपने ही बॉडी कॉरपोरेट को समझ में आया क्या मेंबर अपने ही एसोसिएशन को मेंबर अपने ही बॉडी इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को सर्विस देता है क्लब को सर्विस देता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा यस नाउ ज्वाइंट वेंचर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है समझ में आया मैं एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताता हूँ यहां पे एक बिल्डर जो है दो बिल्डर मिलके इन्होंने एक जे कैरी आउट किया ठीक है उसमें आ, मेरा क्लाइंट था यहां पे पुणे में एक क्लाइंट थी ओपन लैंड थी आ, वो उसका एक बिल्डर ओनर था वो बिल्डर छोटा था पर लैंड बड़ा था उसके पास तो नहीं एक लैंड मिला था उसको ओके okay. तो ऐसे केस में यहां पे जो लैंड उसने परचेस की जो लैंड उसने परचेस की सॉरी जो उसके पास लैंड थी वो बड़ा पीस था लैंड का तो ऐसे केस में नाउ एक दूसरा बिल्डर बड़ा बिल्डर रेडी हुआ कि ठीक है आपके पास स्पेस है हम एक प्रोजेक्ट जेबी में करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए जेबी बने आई होप आई होप उस प्रोजेक्ट के लिए जेबी बने कि भाई लैंड आपका कुछ फंड आपका मेजर फंड मेरा समझ में आया क्या और उसके बेस पर यहां पे कल तो तू मुझे क्लास में नहीं दिखना चाहिए या तू वहां नहीं बैठेगा क्या कह रहा हूं समझ में आ रही है लास्ट वन और मैं लास्ट इंटीमेशन आप लास्ट बेंच को दे रहा हूं हर बात मजाक में मत लेके जा रहा तुम एक बहुत डिग्निटी वाला प्रोफेशन कर रहे हो सिर्फ नाम से प्रोफेशन नहीं आता तुम्हारे नेचर में दिखना चाहिए प्रोफेशन वो भी सीए जो बहुत अच्छा स्टेटस लेके बैठे हैं और वो भी सीए जो चिल्लर है तो यहां पे आते हैं और बेटा मैं उसको जो बोल रहा हूं वो उसके सामने वाला वो नहीं तेरे पीछे लायकी है क्या तेरी वापस आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे तो एक जेबी बन रही थी और जेबी में दो बिल्डर इन्वॉल्व थे और जेबी को एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है एओपी एसोसिएशन ऑफ दो पर्सन मिलके एक प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाता है अब यहां पे ठीक है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो बना जेवी बना तो जेवी बनाते वक्त यहां पे एक बिल्डर ऑलरेडी बड़ा बिल्डर था उसके पास सारी मशीनरीज थी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उन्होंने फाउंडेशन बनाया सारी मशीनरीज थी अब जेवी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है आई रिपीट जेवी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में जो बड़ा बिल्डर था उसने ये ऑफर कर दिया कि भाई मशीन वगैरह नहीं प्रोजेक्ट की मशीन नहीं खरीदते मेरे पास ऑलरेडी मशीनरीज है मैं जेवी को रेंट पे दे दूंगा अरे सर नो और वो ऑलरेडी मेंबर था वो ऑलरेडी मेंबर था उस जेवी का अपने ही जेवी को वो रेंट पे दे रहा है मशीनरीज कंक्रीट मिक्स मशीन है अर्थ मूविंग मशीन है और अपने जेवी से रेंट ले रहा है तो क्या मेंबर अपने ही जेवी को रेंटिंग सर्विस देगा गुड सप्लाई करेगा क्या उस पर जीएसटी आएगा यस yes. या या जीवी है या क्लब है या एसोसिएशन है और वो अपने ही मेंबर को सर्विस दे रहा है तो क्या उस पर भी जीएसटी आएगा यस yes. उसे सप्लाई माना जाएगा और उधर उन्होंने बिजनेस में भी कवर कर लिया इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे सिचुएशन में ओके okay, यहाँ सेवन वन ए ए कंप्लीट हुआ इस तरह से दोस्तों ओके okay, यहाँ पे हमने वॉट सप्लाई इंक्लूड्स विथ कंसिडरेशन आई रिपीट द वर्ड क्या विथ कंसिडरेशन सेवन वन ए सेवन वन ए एंड सेवन वन बी हाँ अब एक लास्ट पॉइंट और फिर एंड करते हैं डिस्कशन को लास्ट पॉइंट ये था कि क्या ये जो पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल एग्जाम्पल किसी को लिखना है तो लिख सकते हो मतलब एग्जाम्पल लिखने की बात ही नहीं है पर्सन के डेफिनेशन से सिर्फ इंडिविजुअल को हटा दो पर्सन के डेफिनेशन से सिर्फ क्या इंडिविजुअल को हटा दो बाकी सभी बाकी सभी अब ये जो है ये पर्सन जो है इन्होंने ये भी कहा है कि ये पर्सन और उसका मेंबर सेपरेट पर्सन माने जाएंगे सेपरेट पर्सन माने जाएंगे ये और ये सेपरेट पर्सन माने जाएंगे यहां पे इन्होंने ये भी यहां पे क्लियर कह दिया कि ये सेपरेट पर्सन माने जाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि पुरानी कुछ सुप्रीम कोर्ट की केसेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी सुप्रीम कोर्ट की केसेस किस में थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी और उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन दिए थे कि भाई सोसाइटी और उसके मेंबर म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब एक ही माने जाएंगे पर वो कौन से एक्ट में थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझ में आया क्या पर जीएसटी में उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि नहीं जीएसटी में वो दोनों सेपरेट माना जाएगा और दोनों एक में को अगर कोई गुड सर्विस सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा आई होप यू अंडरस्टूड चलो लास्ट आपका डीपी क्यू लिख लो आज का चलो फटाफट आ जाओ चैप्टर टू में आ जाओ सप्लाई चैप्टर टू में आ जाओ सप्लाई क्वेश्चन में आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अच्छा क्वेश्चन नंबर कैसे रीड करना पता है ना हा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यानी तीसरे डिजिट्स, ट्वेल्व उसके बाद में आप जो है क्वेश्चन नंबर वन का सब वन टैक्सेबल टूरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल टूरिटरी क्वेश्चन वन का पहला टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल ठीक है देयर आफ्टर क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स दो क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव टेंपल ऑफ एंसेस्ट्रल डाइटी ठीक है एक मिनट फिर से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो भी होगा आप वो देख लो यार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब क्वेश्चन नंबर वन का वन क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स और एक जो होमवर्क दिया था आपको पी सेवेंटीन ठीक है इतना कर लोगे ओके okay, तो डन यहां पे आज रुकते हैं और फिर से बता दू मैं क्लास में आने को नहीं रोकूंगा साथ में नहीं बैठोगे जब तक मैं नहीं बोलता ठीक है चलो तो दोस्तों मिलते हैं टुमारो शार एट सेवन थर्टी टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी वंदनों को तोड़ के आना है तो बाय बोलो बच्चों चलिए अच्छा मैं कल मैं कह रहा हूँ कल का सेशन मिस मत करना कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी है केस स्टडीज भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ठीक है तो और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हो गए पांच मिनट में लूंगा पहले ऐप फिर बाद में यूट्यूब जो क्वेश्चंस हो गए ऑनलाइन स्टूडेंट के पूछो ओके okay, कोई आपके डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो पूछो सर फिर लोग पर्सनल पर्पज दिखा बिजनेस में यूज करेंगे तो डिपार्टमेंट कैसे पता चलेगा वो तो स्क्रूटिनी में पता चलता है बेटा स्क्रूटिनी कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा वो तो स्क्रूटिनी में पता चलता है सर जब गुड्स ट्रांसफर हुए तब जीएसटी पेएबल था बट आर्ट के केस में क्यों नहीं नहीं बेटा आर्ट के केस में जब गुड्स रिमूव हुए ओके आर्ट के केस में जब गुड्स रिमूव हुए तब कंसिडरेशन ही नहीं था हमने तो एग्जीबिशन में भेजा तो रिमूव करते वक्त जीएसटी नहीं आएगा जब बेचेंगे तब जीएसटी आएगा अच्छा और आर्टिस्ट के केस में वो डीडीपी नहीं बोला जाता है हमने हमारे ब्रांच को नहीं भेजा हमारे रजिस्टर्ड प्लेस को नहीं भेजा हमने एग्जीबिशन में भेजा है हां हमारे ब्रांच को भेजते तो जीएसटी आ जाता सर जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो मीनिंग समझ आता है हमें पढ़ते हुए क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस डेवलप होगी आदित्य डोंट वरी उसकी चिंता मत करो मैं बैठा हूं आप सिर्फ ट्राई करो मैं जो बोलता हूं सर कंसल्टेंसी या एडवाइस पे कोई वैल्यू होती है वैल्यू होत, है तो जीएसटी किस अमाउंट पे लगेगा जो वैल्यू आप इनवाइस में चार्ज करोगे एडवाइस की जो वैल्यू इनवाइस में चार्ज करोगे सर कोई फॉरेनर कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है तो अपने सीईओ, सीईओ के अदर मैनेजमेंट मेंबर पर क्या करेगा तो वो जीएसटी में कवर होगा बेटा जीएसटी में दो सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए जिसमें सप्लाई हो तो दो सेपरेट एंटिटी होती है और एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को सप्लाई कर रही है तब जीएसटी आता है सर लैंड इज सोल्ड अलॉन्ग क्रॉप तो सिर्फ क्रॉप पे आएगा सर कंसल्टेंसी एडवाइस पर कोई वैल्यू होती है जो जीएसटी पे अमाउंट पर, पर यस yes, बेटा मेरी कंसल्टेंसी का मैं इनवाइस बनाता हूं लैक्स में बनाता हूँ तो उस पर जीएसटी तुम तीनों हंस रहे थे ना मुझे लगा तुम तीनों हंस रहे हो नहीं औरत नहीं बोला लाइक ही है दोनों वर्ड में बहुत फर्क है एक पॉजिटिव है ठीक है <laughs> ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है सर गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजा है और सर सर और सर्टन दिन के अंदर वापस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है क्या अप्रूवल बेसिस पे सिर्फ चालान बनती है बेटा आगे पढ़ा होगा डिस्कशन आएगा वहाँ इन्वाइस नहीं बनता है चालान बनती है ऑनली सर इफ चांस अटेम्प में पास नहीं हुए तो सेकेंड अटेम्प में रैंक आएगा तब भी आपका ए आई किट मिलेगा क्या बेटा मिलेगा जरूर अभी पास हो जाओ और रैंक में अभी आना है सर जीएसटी में क्या अलग करें जो मार्क बूस्ट हो जाएगा वो सब मैं करवाऊंगा डोंट वरी अभी जितना मैं कहता हूं उतना होमवर्क और डीपी क्यू करो अरे ऐप मध्य टेलीग्राम ग्रुप से लिंक दाखों दूसर हाँ ऐप मध्य सर रिवर चार्ज में जब रिसिपियन लाइबा जीएसटी लाइक सर वो बर्डन पास ऑन कैसे करेगा वो सेकंड चैप्टर में रिवर चार्ज में बताऊगा बेटा सर नॉन कंटिन्यूस एक्टिविटी पे जीएसटी कैसे लगेगा वो बाद में आता है बेटा बाद में लेंगे डिपॉजिट पे जीएसटी पर करना है क्या नहीं डिपॉजिट पे जीएसटी लगता ही नहीं है बेटा सर ट्रांसफर में आईटीसी और जीएसटी बता दो कौन से ट्रांसफर में बेटा चलिए अच्छा कल सैटरडे है जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है या फेस टू फेस स्टूडेंट है कल मैं

ठीक है तो आप अगर कोई डाउट क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो तो जूम में कनेक्ट हो जाना देन चलिए ओके यहां YouTube बंद करूं टा ऐप में क्या नाम है ऐसा क्यों